तो सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक 10 मिनट्स, ठीक है? 10 मिनट में आपको ब्रीफ करना अबाउट गुरुकुल प्रोग्राम, उसके बाद सारा समय आपका है, ठीक है? आप अगर चाहेंगे तो मैं स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ठीक है? चलिए, तो गाइस मेरा नाम है इंजीनियर आकाश पांडे, मैं फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स 8 इयर्स क्या बोलते हैं, मैं इस सेक्टर में हूँ, सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर में, जिसमें मैंने मास्टर्स किया हुआ है स्ट्रक्चर्स में। मैं आपको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में करियर को कैसे बनाना है, कॉलेज के गैप को और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को बहुत बेहतर तरीके से समझता हूँ गाइस, क्योंकि मैंने लास्ट 5 ईयर जॉब करके फिर हमने अपने इस गुरुकुल प्रोग्राम को स्थापित किया है, और वहाँ से हम लोग गुरुकुल प्रोग्राम को चला रहे हैं। राइट नाउ हम लोग स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के ढेर सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, बीम के प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस तरीके की मॉर्निंग और इवनिंग में पैचेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से आप में से काफ़ी बच्चे ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग, काफ़ी बच्चे हमारे ओल्ड भी हैं, आप उनको पता है कि हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। गाइस क्या होता है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, मैं चाहूँगा बस 5 मिनट फोकस होकर सुन लेना, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारे तरफ से जाने का प्रयास किया जाएगा। तो गैस सबसे पहली चीज जो कंपनी के रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पर हो रही है, गैस रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, उनको क्या चाहिए एग्जैक्टली वो यहाँ है, और हमारा जो स्ट्रक्चर का नॉलेज है वो यहाँ है। नो डाउट हम कॉलेज में पढ़ते हैं, आरपीसी पढ़ते हैं, सोम पढ़ते हैं, पर उनको अप्लाई कैसे करना है, इनके बराबर कैसे आना है, यही सबसे बड़ा गैप है, और इसी गैप को फुलफिल करने के लिए अपना ये गुरुकुल प्रोग्राम है। गैप में क्या होता है गैस कि हमारी बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी वीक रहती है, आईएसओ कोड का नॉलेज बहुत वीक रहता है, स्टैटिक एनालिसिस डायनेमिक एनालिसिस का प्रॉपर प्रॉपर नॉलेज नहीं होता हमारे पास, सॉफ्टवेयर का जो एग्जैक्टली कंपनी ओरिएंटेड नॉलेज है वो नहीं रहता, जस्ट हमें सॉफ्टवेयर का टूल चलाना आता है, और टूल चलाना नहीं आता, कंपनी कहती है हम टूल का क्या करेंगे, जब तक कि आप हमें अच्छा नॉलेज से प्रोजेक्ट करके नहीं सबमिट करोगे हम उस टूल का क्या करेंगे, तो हम लोग के पास टूल का भी नॉलेज नहीं रहता। उसके साथ ही साथ गाइस हमारे पास SFD, BMT, डिफ्लेक्शन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ गायरेशंस, ठीक है, मटेरियल की डेंसिटी, मटेरियल का लोड कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हमारे पास नहीं रहता। तो इन सब चीज़ों से गाइस जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है, आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है, फेल्योर्स मिलता है, ठीक है? रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है गाइस, फेल्योर मिलता है। रीजन रीजन यह है कि कंपनी की जो जरूरत है वो जरूरत को हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सबसे पहली बात तो गाइस जान लीजिए कि ये ऐसी डोमेन है सिविल इंजीनियरिंग की जो कि किंग प्रोफाइल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे बड़ा रिस्की काम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हो ही नहीं सकता। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अगर कोई सबसे रिस्की काम है तो वो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, और कहते हैं ना जहाँ पर रिस्क है वहीं पर चैलेंज होता है, वहीं पर किक मिलती है, तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट दैट, ठीक है? इसके अंदर आपने अगर थोड़ा सा भी लोड कैलकुलेट गलत किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपने बीम प्रोवाइड कर दिया तो पक्का है डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी आपने एक्सियल लोड सही नहीं कैलकुलेट किया, फुटिंग का साइज दे दिया तो गया, कोलैप्स होना फिक्स है, या फिर सेटलमेंट तो हो ही जाएगा उस तरीके से। तो कुल मिला के ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्रोफाइल होती है। तो जब रिस्पॉन्सिबल प्रोफाइल होती है तो कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को चाहिए कि जिसका कोर बहुत स्ट्रांग हो वो इस प्रोफाइल में आए, ठीक है? यहाँ पर ये यह आसान नहीं कि आपने इस कॉलम दे दिया ऐसे ही, नहीं, कॉलम ऐसे देने के पीछे रीजन क्या था, अर्थक्वेक का क्या क्या मतलब, टॉर्जन को क्या आपने कैलकुलेट किया था, क्या बेस ईयर को क्या कैलकुलेट किया था क्या। तो गैस कुल मिला के स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और ये बोलूँ कि पूरे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला अगर कोई काम है तो इसमें कोई दो राय नहीं, दैट इज योर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ठीक है? इसीलिए गैस इसमें कंपनी चाहती है कि आपका कोर बहुत अच्छे से स्ट्रांग रहे। जनरली हम लोगों को क्या पता होता है कि देयर आर सम सॉफ्टवेयर जिनको सीख के हम, जैसे कि स्टैड है, ई टैप्स है, RCDC है, सेफ है, मैनुअल है, RCDC है, सेफ है, ये तीन चार सॉफ्टवेयर सीख के हम स्ट्रक्चर इंजीनियर बन जाएंगे, ये बहुत बड़ा अपवाद है गाइस, ठीक है? सॉफ्टवेयर से कोई भी स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं बनता है। आपने ई टैप्स, और मैं भी सिखाता हूँ, मैं भी आपको अभी बताने भी वाला हूँ कि हम क्या सीखने वाले हैं, ठीक है? क्या सिखाएंगे आपको, आपको हम स्टैड भी सिखाएंगे, RCDC भी सिखाएंगे, सेफ भी सिखाएंगे, ई टैप भी सिखाएंगे, वही जो मैं बोल रहा हूँ वही मैं सिखाने भी वाला हूँ, बट उससे कोई भी स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं बन सकता है। स्ट्रक्चर इंजीनियर मतलब आपके पास ये पावर होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर जो हमने डिजाइन किया है ये सही ही होगा, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है? तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए समय लगता है, प्रैक्टिस लगती है। आप सोचो कि बस हम गए और हमको प्रोसेस पता है, हमने तो एक यूट्यूब पर आकाश पांडे सर का वीडियो देखा हुआ है कि स्टैट प्रो को पर सेस्मिक एनालिसिस कैसे करते हैं, अप्लाई कर दूंगा, कुछ नहीं होगा उससे,
इवन कंपनी समझ जाएगी कि आपने कुछ नहीं किया हुआ है। तो इसीलिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आपको एटलीस्ट डेडिकेट तरीके से 4 मंथ अपना आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक, वैसे तो आप और करें तो और बेहतर है, बट 4 मंथ में इतनी एलिजिबिलिटी आ जाती है कि यहाँ वालों के लिए आप यहाँ तक सेट हो जाते हो। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि आप एग्जैक्ट हो जाते हो, एग्जैक्ट तब होगी जब आप उनके कंपनी के अंदर वर्क करने लगोगे, धीरे धीरे और भी आपके कॉन्फिडेंस गेन होने लगेंगे। तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का जो गुरुकुल प्रोग्राम है ये गाइस क्या करता है, आपको आपको डेडिकेट करता है डायरेक्ट लाइव प्रोजेक्ट्स। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको लाइव प्रोजेक्ट्स देते हैं और उन प्रोजेक्ट्स पर आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग मिलती है। मतलब आप उसको अप्लाई करिए, अप्लाई करके लेके आइए। और अप्लाई कैसे करना है, ये अप्लाई मतलब जैसे कि आप रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस कर रहे हैं तो गए वहां पर फटाफट लोड डिफाइन किया और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम पे क्लिक कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आप रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या आपने मास पार्टिसिपेंट फैक्टर चेक किया क्या? ठीक है, मास पार्टिसिपेंट फैक्टर वो उनको पता होगा जिन्होंने बहुत डेप्थ में स्ट्रक्चर देखा होगा। मोड सेप में क्या टाइम पीरियड आ रहा है, टाइम पीरियड को क्या आपने वैक किया क्या, मतलब कम किया क्या टाइम पीरियड को, ये सारी चीजों को हम लोग को समझना होता है। एक्चुअली में दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। हमारे दिमाग में जो कीड़ा पड़ा हुआ है, मेरे भी दिमाग में था कभी जब कॉलेज के टाइम पे, आपके भी दिमाग में, कि ओनली सॉफ्टवेयर इज सफिशियंट टू मेक द करियर इन द स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जो टोटली रॉन्ग है। ठीक है, आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स की जरूरत, कुछ नहीं, बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट। तो अपने स्ट्रक्चर गुरुकुल में क्या किया जाता है गाइस, अब यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट करूंगा, बहुत लंबा जाऊंगा तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि सॉफ्टवेयर वेबिनार का पर्पज है कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर करियर को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए गाइस आपको नो डाउट अगर सॉफ्टवेयर प्लस कॉन्सेप्ट का अच्छा नॉलेज है तो आप इजिली किसी भी कंपनी के अंदर जाके स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में कैरियर बना सकते हो। मेरे बहुत से बच्चे, अभी हमारा एक बच्चा नरेंद्र करके है जो आपकी सीनियर बैच में रहा है, उसने क्या नाम है, कौन सी कंपनी में था उसका, एमएनसी के अंदर किसी हुआ है, बड़ी अच्छी कंपनी, मेरे नाम नहीं तुरंत नहीं याद आ रहा है, रैम्बॉल, रैम्बॉल में आई थिंक हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर मेरे टीम में कोई है तो प्लीज कमेंट करना, शायद रैम्बॉल पे ही है ना, रैम्बॉल अपने यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है। तो गए वो गया कैसे, क्योंकि उसके पास कोर आईएस कोड का नॉलेज था, कोर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम कोर, राइट, रैम्बॉल में गया हुआ है। ठीक है, तो रैम्बॉल में उसको कैसे कोर का बड़ा अच्छा नॉलेज हो चुका था, स्टैटिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस, फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस, सेकंड ऑर्डर एनालिसिस, शियर वॉल, रिटेनिंग वॉल। तो हम अपने गुरुकुल के अंदर क्या करते हैं गाइस, स्टार्टिंग 1.5 घंटे में जो खुद लाइव आपके साथ रहता हूँ उसमें हमारा फोकस होता है इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना, और इन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको आपने जो प्रोजेक्ट किया है उन प्रोजेक्ट में कमियां दिखाना, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर का मेन काम कमी को सॉल्व करके, एक गलती करोगे दोबारा नहीं करोगे, दोबारा नहीं करोगे, तो उसको धीरे धीरे करके आपके एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको परफेक्ट बनाना, यही अपने 1.5 घंटे के गुरुकुल प्रोग्राम में होता है गाइस। नेक्स्ट 1.5 घंटे मैं आपको डेडिकेट करता हूँ रिकॉर्डिंग फॉर्म में, जिसमें आपको कैसे सॉफ्टवेयर पे वो अप्लाई करना है उन कॉन्सेप्ट को, वो चीज को आप घर पे करते हो, और फिर उसके बाद मैं डेली आपको अपनी तरफ से लाइव प्रोजेक्ट्स देता हूँ, उन प्रोजेक्ट्स को आप एनालिसिस करके डेली सबमिट करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर, और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है गाइस, इसके अंदर जिसने भी कैरियर बनाया स्टार्टिंग में उसको बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, बट अगर आपने कंटिन्यू ढेर सारे लाइव प्रोजेक्ट्स पर डिस्कस कर लिया तो ये समझ जाइए कि आप स्ट्रक्चर में, कल को आप स्ट्रक्चर की कंसल्टेंसी खोल सकते हैं, स्ट्रक्चर में जॉब कर सकते हैं। इवन हमने जो करकुलम आपके लिए कलेक्ट किया हुआ है, करकुलम का एम क्या था गाइस, हमने आपको करकुलम जो ऐड किया इसमें प्लानिंग, एनालिसिस और मॉडलिंग तीनों ऐड किया हुआ था। जैसे कि आपको ऑटोकैड से हमने क्या सिखाया, आपको प्लानिंग किस तरीके से करता है। अब ऑटोकैड से प्लानिंग मतलब जो आपने ऑटोकैड सीखा हुआ है और ये ऑटोकैड में डिफरेंस होता है, कैसे, आपने क्या बिल्डिंग बाय लॉ के अकॉर्डिंग ऑटोकैड सीखा है क्या? नहीं, जनरली हमारे स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि बिल्डिंग बाय लॉ अप्लाई करना है, एफएसआई अप्लाई करना है, रेरा के रूल्स को समझना है, उसके अकॉर्डिंग ऑटोकैड, फिर स्टैटप्रो, ईटीएफ, आरसीडीसी, सेफमर, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मतलब सिस्मिक जोन कितने हैं उस के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, आपको कैसे एनालिसिस करना है उसको सीखना होता है। तो आप स्टैड और ईटैब और इन सब सॉफ्टवेयर में सीखते हो, उसके बाद लास्ट, ये समझ भी मुझे पता है आप मेरे स्टूडेंट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में गाइस आपको मॉडलिंग आई जाती है। मैं थोड़ा सा भी सिलेबस को भी ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जस्ट आपके 2 मिनट्स लूंगा, सिलेबस भी आपको गो थ्रू करा दूंगा, बाकी आप घर पे बैठ के आराम से डेप्थ में देखना। ठीक है, क्योंकि पूरा सिलेबस बहुत बड़ा है तो मैं जैसा आपको बताऊंगा, प्लस जो एवरेज कंपनियों के पैकेजेस हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, जिससे कि आपको पता चले कि स्ट्रक्चर की कौन कौन सी कंपनियां हैं।
ठीक है? तो जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड के हेल्प गाइड कर देता हूँ कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्या क्या हम लोग गुरुकुल के अंदर सीखते हैं, फिर आपके जितने क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे कि करके। तो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, एंड 5 मिनट्स में हम आपको, गैस 5 मिनट बोलना क्यों पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है ये चीज़, लोगों का पेशेंस एकदम जीरो हो चुका है, ठीक है, रील्स वाली दुनिया में कुछ भी बड़ा सीखने के लिए टाइम ही नहीं है लोगों पास, ठीक है। स्ट्रक्चर गुरुकुल में जो गाइस हम लोग प्लान करते हैं आपके लिए, वो क्या प्लान करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर गुरुकुल के अंदर प्लान करते हैं आपको ऑटो कैड। ऑटो कैड में हमारा प्लान हमेशा ये नहीं रहा है कि सॉफ्टवेयर में लाइन कमांड कैसे चलाते हैं, वो तो हम आपको करा ही रहे हैं, उसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग, समेशन ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग, प्लानिंग, सेक्शन, एलिवेशन, रेरा, बिल्डिंग बाय लॉ, ठीक है, चेकलिस्ट, वास्तु के रूल्स, कॉलम बाय कॉलम, जैसे कोई बीच में माइक ऑन किया प्लीज ऑफ कर देना, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। यहाँ पर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा वॉइस तो मनोज, ठीक है रुको मैं कुछ करता हूँ। कॉलम बीम के पोजीशन, ये सब हम लोग गाइस अपने ऑटो कैड के अंदर सीखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या सीखते हैं गाइस, स्टैट प्रो। स्टैट प्रो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टैट प्रो में फुटिंग के टाइप, स्लैब के टाइप्स। अब देखो स्टैट प्रो में एक प्रोसेस है कि कैसे बीम लगाएंगे, कॉलम लगाएंगे, वो तो आप सीखोगे सीखोगे, हमारा फोकस वहां ज्यादा नहीं है, हमारा फोकस कहाँ है गाइस, फुटिंग के टाइप, स्लैब के टाइप, सपोर्ट के टाइप, स्टैंडर्ड साइजेस, एनालिसिस कैसे करेंगे स्टैट प्रो के अंदर, एडवांस डिजाइन कैसे करेंगे, विंड एनालिसिस मैनुअली कैसे करेंगे, और नो डाउट सॉफ्टवेयर तो आप करोगे, सीयर वॉल के डिजाइन, स्टील प्रॉपर्टीज का नॉलेज, जैसे कि आईएसएमबी है तो इस तरीके से कितने मेंबर्स हैं, आई सेक्शन कहाँ लगाना चाहिए, चैनल सेक्शन कहाँ लगाना चाहिए, ये सारा चीजें हम लोग एक एक करके समझते हैं। आईएस कोड और आईएस कोड की इंपॉर्टेंट की पॉइंट, जैसे कि IS 13920 का क्या यूज है, SP 34 का क्या यूज है, SP 16 का क्या यूज है, बेसिक थंब रूल क्या होता है कॉलम बीम को लगाने के लिए, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन को अब सब लोग समझते हैं। उसके बाद आप लोग सीखते हो यहाँ पर एनफोर्समेंट डिटेलिंग के बारे में, डक्टाइल डिटेलिंग के बारे में, सेंट्रल लाइन के बारे में, कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे स्टैट प्रो से सॉरी। उसके बाद स्टैट एडिटर का नॉलेज, कैसे स्ट्रक्चरल ड्राइंग को सबमिट करेंगे, बेसिक्स ऑफ ई टैब्स, मतलब ई टैब में क्या सीखेंगे, ऐसे यहाँ से आप देख सकते हो ग्रिड क्रिएट करना, ये तो बहुत आसान चीज है। मेन फोकस होता है गाइस हाईरेज एनालिसिस, हाईरेज बिल्डिंग के एनालिसिस और उसके डिजाइन करना, उसको डाटा को कैसे आरसीडीसी में लेके जाना, डायनेमिक एनालिसिस करना, ये टॉपिक्स जो है ये एमएनसीज के टॉपिक होते हैं, जो अभी हमारे कुछ बच्चे रैम्बॉल जैसे बड़ी कंपनियों में, साथ साथ जैसे कि पुणे वाले जो लोग होंगे पता होगा JW, तो JW जैसी कंपनियों में वहां पर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायनेमिक एनालिसिस के बारे में, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस के बारे में, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस के बारे में, पी डेल्टा एनालिसिस, पुश ओवर एनालिसिस, डायनेमिक, ऑल द कॉन्सेप्ट हम लोग इसके अंदर सीखते हैं बहुत ब्रीफ में जाके। उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर्स के डिजाइन, फिर मैनुअल बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब के डिजाइन। एक्चुअली में किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर को अगर मतलब एग्जैक्टली आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है, अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेगा इस 100% आप किसी भी स्ट्रक्चर के इंटरव्यू को क्रैक कर लेंगे, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। स्टेयरकेस का डिजाइन, बैफल स्लैब के बारे में, मैट फुटिंग कैसे डिजाइन करेंगे सेफ के अंदर, आइसोलेटेड फुटिंग कैसे करेंगे, पाइल कैसे करेंगे, स्लैब की डिजाइन कैसे करेंगे, स्टेयर ठीक है कोई बोल रहा है, थोड़ा सा बस 5 मिनट मुझे दे दो फिर आपको क्वेश्चन में कवर करता हूँ दोस्त, ठीक है। उसके बाद डिजाइन ऑफ द मेंबर्स, बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब की डिजाइन, आरसीसी में कैसे करेंगे, फ्लैट स्लैब क्या है, फ्लैट स्लैब के कितने टाइप्स हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, आईएस कोड कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बेसिक डिफिनेशन जो इंटरव्यू पूछ सकता है आपसे, इंटरव्यू पूछ लेगा व्हाट इज श्रिंकेज, या पूछ लेगा व्हाट इज डिफ्लेक्शन, व्हाट इज कॉलम, व्हाट इज फुटिंग, ये सब रेनफोर्समेंट डिटेलिंग्स। उसके बाद बीम, कॉलम, फुटिंग, उसके बाद प्रीकास्ट के बारे में, हाई राइज बिल्डिंग कौन सी होती है, कौन कौन सी बेस्ट हाई राइज है, उनके क्या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग डिजाइन किए जाते हैं, बेसिक बिल्डिंग के लिए डिजाइन के लिए क्या क्या टिप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बीम की डिटेलिंग, कॉलम की डिटेलिंग, फुटिंग की डिटेलिंग, स्लैब की डिटेलिंग्स। कुछ लोग अभी आ रहे हैं तो ज्वाइन कर देते हैं गाइस, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर को आना चाहिए, रिटेनिंग वॉल की डिजाइन, जीए ड्राइंग, शॉप ड्राइंग, इरेक्शन ड्राइंग, फैब्रिकेशन ड्राइंग, सिंगल पार्ट ड्राइंग्स, ऑल टाइप ऑफ डाइमेंशंस का प्रॉपर नॉलेज, डिटेलिंग कोड कौन कौन से हैं, जैसे SP 34 है, सेफ कोड कौन कौन से होते हैं, जो कि ब्रिटिश कोड, अमेरिकन कोड में सेफ कोड जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीजें हम लोग इस गुरुकुल के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद गाइस जो एक्चुअली में जो टफ इंटरव्यू होते हैं वहां पर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि एनालिसिस, आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या आनी चाहिए, स्टैट प्रो पर लोड कैलकुलेट आना करना आना चाहिए, कि वॉल का लोड कैसे कैलकुलेट करना है, स्लैब का लोड कैसे कैलकुलेट करना है, उनकी एनालिसिस, उनके साइजेस क्या रखने हैं, IS 875 का कौन सा पार्ट है, डेड लोड के लिए पार्ट 1, लाइव लोड के लिए पार्ट 2, विंड लोड के लिए पार्ट 3, इस कौन से पार्ट का क्या यूज है,
IS-1893 को कैसे यूज करेंगे, डक्टाइल रिटेनिंग कैसे करेंगे जो कि आप RCDC के अंदर आप जाके क्रैक विड्थ वगैरह ऑन करके कैसे करते हैं, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स में क्या क्या चीजें एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको आना चाहिए, जैसे कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पता होना चाहिए, डैम्पिंग के बारे में पता होना चाहिए, लोडिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, वाइब्रेशन को कैलकुलेट करने का प्रोसेस, राफ्ट की डिजाइन, ठीक है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, फ्रिक्शन पाइल या फिर क्या बोलते हैं पाइल्स के हर टाइप्स के बारे में डिजाइनिंग, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो हाई राइज बिल्डिंग के लिए उसकी परफॉर्मेंस कैसे, बिहेवियर चेक करेंगे, कैसे उसके फेल्योर्स को रोकेंगे, किस तरीके का सेप बनाएंगे, ये पूरा बहुत ब्रीफ होता है। इतना अगर आप इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आराम से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर कैरियर बना सकते हैं। वो तो रहा नॉलेज गाइस। अब नॉलेज के बाद इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए आपको ऑटो कैट के क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, स्टैट प्रो के, ईटीएफ्स के, सेफ के, आरसीडीसी के। तो आपके गुरुकुल में क्या होता है गाइस, हर मंडे को मॉक इंटरव्यू होता है जिसमें क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे, यहाँ से फिर HR क्वेश्चंस, बेसिक स्ट्रक्चर के प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को चाहिए क्या, प्रैक्टिकली आप अपने सिलेबस देख लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर इंजीनियर को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, उसकी हिस्ट्री, विंड एनालिसिस के कैसे करेंगे, सिस्मिक कैसे एनालिसिस करेंगे, मैनुअल डिजाइन कैसे करेंगे, BVS कैसे कैलकुलेट करेंगे, ब्रिटिश कोड कैसे करें। तो ये सारे टॉपिक्स गाइस अगर आप अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं, ATS फ्रेंडली रिज्यूम बना लेते हैं, कवर लेटर बना लेते हैं, फिलहाल मैं सब कवर करता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है, और ये सब अगर आपने कर लिया तो आराम से आप किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर, किसी भी प्रोफाइल के अंदर जाके आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। अब बोलोगे सर ये सब सिलेबस पढ़ने से फायदा क्या होगा, तो आइए हम आपको प्रूफ देखते हैं, हम लोग डायरेक्ट गूगल करते हैं कि स्ट्रक्चर इंजीनियर को हमें क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जॉब्स डायरेक्ट सर्च कर लीजिए, कहीं पर भी सर्च कर लीजिए, पुणे के लिए कर लीजिए, यहाँ पर आ रहा है सर्च में। तो अब देखिए इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या वो हम लोग के सिलेबस में कवर हो जाती है क्या रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है गाइस, जो अच्छी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के फॉर्म्स हैं उनमें से हम लोग देखते हैं, जैसे कि कैसे इंजीनियर्स है, ठीक है, अब कैसे इंजीनियर फिलहाल इन्होंने लिखा नहीं अपने रिक्वायरमेंट के बारे में, हम लोग स्ट्रू इंजीनियर्स का देख लेते हैं, ये भी स्ट्रक्चर की काफी रेपुटेटेड फॉर्म है, ठीक है, हम लोग काइंडली सेंड द ब्राउजर ऑफ द, ओके ओके ठीक है, यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप दे दीजिएगा कि प्लीज, जिनको भी चाहिए होगा PDF हम शेयर कर देते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में करें भेज दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दीजिए प्लीज, ठीक है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो फटाफट, इसी ग्रुप में भेज देते हैं गाइस, ठीक है। तो अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर इंजीनियर को क्या क्या चाहिए, ठीक है, जैसे कि स्लैब इंजीनियर से इन्होंने अपने रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है क्या गाइस, देखिए इन्होंने लिखा है क्या, ठीक है, इन्होंने अपने रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है गाइस, इनको चाहिए ऑटो कैट का नॉलेज, ठीक है, नो डाउट, रेविट का नॉलेज, अपने गुरुकुल के जो सिलेबस आपने देखा उसमें रेविट का भी नॉलेज है, ऑटो कैट का भी नॉलेज है, ठीक है, MS ऑफिस तो चलिए आपको आता ही है, ऑटो कैट के बारे में पूरा का पूरा यहाँ डिटेल नॉलेज है, प्लस और भी अच्छी चीज़ से कि आपके देखिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के इंटर्न पुणे की वन ऑफ द बेस्ट या बोली सबसे अच्छी कंपनी है, ठीक है, इनको चाहिए स्ट्रक्चर इंजीनियर इंटर्न, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज ये देख रहे हैं, ठीक है, ये लोग देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर इनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, फिलहाल इन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं डाला है क्योंकि इंटर्न के प्रोफाइल पर है, ठीक है, देखिए इन्होंने डाला हुआ है कि आपने रिक्वायरमेंट को, यस इन्होंने डाला हुआ है प्रॉपर रिक्वायरमेंट को, अब इनको क्या चाहिए गाइस, ऑटो कैट का अच्छा नॉलेज चाहिए, नो डाउट, ठीक है, इसके बाद इन्होंने और कुछ लिखा है क्या कोई सॉफ्टवेयर के बारे में, फिलहाल ये रिन्यूएबल एनर्जी की इनकी जॉब्स है तो इसके वजह से इन्होंने भी मेंशन नहीं किया हुआ है, सेंटेक है, इसके बाद यहाँ पर जो कंपनी एग्जैक्टली बिल्डिंग के अंदर काम करती है हम लोग उनको टारगेट करेंगे, ठीक है, जैसे कि जी सोर्स ने अपने बारे में लिखा है क्या गाइस, ठीक है, या यहाँ पर देखिए इन्होंने डाला हुआ है कि इनको क्या चाहिए गाइस, इनको चाहिए स्टैट प्रो, इनको क्या चाहिए स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर, इनको क्या चाहिए ई टैप सॉफ्टवेयर, नो डाउट इनकी ये प्रोफाइल में इनको टिकला और ईसा ये सॉफ्टवेयर चाहिए, ये सॉफ्टवेयर कब चाहिए होता है गाइस, जब हायर प्रोफाइल पर आपको जाना हो, 4 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो, वहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है, एज अ बिगनर इनकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, और अभी जैसे कि एक कंपनी यहाँ पर एटकिंस दिख रही है मेरे सामने, तो एटकिंस में देखते हैं क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है गाइस, तो क्या हम उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं, आइए देखते हैं यहाँ पर, देखिए इनको, अच्छा इनका भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है गाइस, इनका काम बीम से रिलेटेड है, आप देखिए रैबिट चाहिए बीम में, ऑटो कैड चाहिए, नेविस वर्क चाहिए, नेविस वर्क जहाँ पर भी हो दैट मीन इनको बीम की जरूरत है, ठीक है, और ये इन्होंने रिको इंडस्ट्रीज है, ठीक है, बिल्डिंग एक मिनट जस्ट, यहाँ पर मुंबई करना क्योंकि मुंबई में बहुत अच्छी अच्छी ओपनिंग सभी मैं रिसेंटली देखा था गाइस, जैसे वकील मेहता जी के यहाँ पर अभी ओपनिंग चल रही है, हमारे कुछ बच्चे काम भी करते हैं, अब इनके यहाँ देखिए आप, ठीक है, अब इनकी रिक्वायरमेंट देखिए क्या हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं, ठीक है, कैंडिडेट को क्या क्या चाहिए होता है,
आरसीसी और बिल्डिंग का नॉलेज चाहिए जो आपके गुरुकुल के अंदर मिल ही रहा है, ईटैप का नॉलेज चाहिए हम दे ही रहे हैं, सेफ का नॉलेज हम आपको दे ही रहे हैं, आरसीडीसी का नॉलेज दे ही रहे हैं, स्टैट प्रो का नॉलेज दे ही रहे हैं। इसमें सैप का भी अभी हमने ऐड कर दिया कि जितना इंटरव्यू के लिए एलिजिबिलिटी हो उतना सैप भी हमने आपके लिए डाल दिया है। तो इससे क्या हो जा रहा है, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ पर चाहिए इनको बीआईएस कोड, अभी हमने आपको दिखाया सेफ कोड, सारा का सारा कोर्स आपको इसके अंदर कवर हो जाता है। अभी देखिए ये भी बहुत बड़ी कंपनी पेंटेक कंसल्टेंट, अब पेंटेक कंसल्टेंट को क्या चाहिए, इनको ब्रिज का जहाँ तक ये काम करते हैं लोग, फिर भी इनके यहाँ पर हम लोग क्या फिलफिल कर सकते हैं, इनके हम ऑटोकैड फिलफिल कर सकते हैं, बट ये ब्रिज में करते हैं तो ब्रिज के लिए हम लोग नहीं देख रहे हैं गाइस, हम लोग बिल्डिंग के लिए देख रहे हैं। तो बिल्डिंग में जो नेक्स्ट कंपनी है आपकी यहाँ पर वो रहेगी, यहाँ पर बिल्डिंग में एईकॉम भी बिल्डिंग में हैंडल करती है, बट एईकॉम बिल्डिंग के बीम का भी काम करती है और स्ट्रक्चर का भी काम करती है। देखिए इन्होंने रिक्वायरमेंट भी क्या डाला हुआ है अपना, इन्होंने रिक्वायरमेंट में डाला हुआ है ई टैप्स, सेफ, ठीक है, और स्टैट, इनको ये चीज़ें चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीम में भी काम करती है, तो जिसको बीम और स्ट्रक्चर दोनों आ रहा होगा वो इसके लिए और ज़्यादा प्लस पॉइंट के तौर पर देखेगा। स्ट्रिंग लाइट कंसल्टेंसी, ये भी कंसल्टेंसी है जो बिल्डिंग्स के भी काम करते हैं ये लोग, ठीक है, इन्होंने अपने रिक्वायरमेंट में डाला नहीं है। कुल मिला के जितना आपको यहाँ पर हमने दे दिया है इस कंटेंट के अंदर, इतना अगर आप सीख लेगा इस किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की प्रोफाइल के लिए आप पूरी तरीके से एलिजिबल है, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि कुछ बच ही नहीं रहा है बिल्डिंग के अंदर जो इसके बाहर हो, ठीक है, आराम से आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखना चाहेंगे स्ट्रक्चर में कौन कौन सी कंपनियां काम करती हैं गाइस, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके 5 मिनट उसके लिए भी लूंगा आपको। तो स्ट्रक्चर में जो बेस्ट कंपनियां हैं गाइस वो कंपनियां हैं आपकी, देखिए फिलहाल यहाँ पर मैंने डाला कि रिक्वायरमेंट क्या को क्या क्या आना चाहिए, चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपको सिंपल ऑटोकैड में नो डाउट प्लान्स एक्सेलरेशंस तो आना ही चाहिए, बिल्डिंग बाय लॉ सपोर्ट के टाइप, आईएस कोड का नॉलेज, स्टील स्ट्रक्चर का नॉलेज, सीयर वॉल का नॉलेज, डिफ्लेक्शन रेनफोर्समेंट डिटेलिंग तो आना ही चाहिए, सेंटर लाइन, हाई राइज बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम जो आपने पीछे देखा सारा। अब ये सारी कौन सी कंपनी को रिक्वायरमेंट है गाइस, ठीक है, ये जो पीछे आपने पोर्टफोलियो में देखा वहाँ से ही है। देखिए एक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का जो इंडिया के अंदर जो एवरेज पैकेज चल रहा है गाइस वो 4.2 चल रहा है, ये कोई मैंने अपने तरफ से नहीं लिया हुआ, ये ambition.com जो कि बहुत बड़ा फॉर्म है, एक्सपीरियंस लोग जानते होंगे, ये लोग वेल रिसर्च करते हैं कि एक्सैक्टली क्या पर पैकेज चल रहा है। जो एवरेज पैकेज चल रहा है वो 4.2 एलपीए चल रहा है इंडिया के अंदर गाइस। कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं उनके पैकेजेस आप देख सकते हैं, दिल्ली बिल्ड कॉन है, जी आर इंफ्रा है, एपको है, एस जी इंफ्राटेक है, दार ग्रुप है, इनके पैकेजेस भी आप देख सकते हैं कि एवरेज पैकेज 4.6 है, 3.9, 4.9, इन्हीं के बेस पर एवरेज सैलरी जो यहाँ पर सेट किया गया है वो इन्हीं का सम लेकर दिया गया है। लेजर इंटर वो है, गायत्री प्रोजेक्ट है, मेगा है, यहाँ पर लगभग 300 कंपनियों के मैंने नाम दिए हुए हैं, ये सब कंपनियों का लिस्ट मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिला दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैकडोनल्ड बहुत अच्छी कंपनी है, देखिए 6.7 का इनका एवरेज पैकेज है, 4.8 से स्टार्ट करते हैं गाइस ये लोग इस तरीके से, और भी बहुत ढेर सारे जैसे एटकिंस मैंने अभी आपको दिखाया पीछे, 8.8 का एवरेज पैकेज है, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत ही बेस्ट, ये बीआई में भी काम करती है, स्ट्रक्चर में भी काम करती है। तो जिसका भी गाइस कोर थोड़ा स्ट्रांग है वो लोग, देखिए रैमबॉल जिसमें अभी हमारा बच्चा गया उसमें आप देखिए यहाँ पर 8.1 का एलपीए का वो है, ठीक है, नो डाउट वो फ्रेशर था तो उसका 4.6 के आसपास पैकेज लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर केसीसी बिल्ड कॉन है, एक कैटेरिया है, एसपी सिंगल है, ठीक है, फ्लोर है, जेडब्ल्यू कंसल्टेंट, पुणे वाले सभी लोग जानते होंगे, पुणे बहुत अच्छी स्ट्रक्चर की फॉर्म है, ये 4.4 का एलपी है गैस, इनकी तो पूरी टीम ही गैस अपने गुरुकुल की है, ठीक है, बहुत प्राउडली आई कैन से। तो ये सारी वर्क कर दी है कंपनियां स्ट्रक्चर के अंदर, बहुत बड़ी कंपनी है, देख लीजिए जो कैप्स है बहुत स्टैंडर्ड लेवल की कंपनी है, 8.9 एलपीए का है, ठीक है, इस तरीके से आप सारी कंपनी में आपको भेज दूंगा। बैक्टेल बहुत अच्छी कंपनी है, 10.4 एलपीए का पैकेज ये ऑफर करती है, ठीक है, फ्रेशर्स को 7 लाख का पैकेज, अब समझिए कि इनका इंटरव्यू भी इसी लेवल का होता है जो मैंने आपको सिलेबस शेयर किया हुआ। चलिए अब आपको बोर नहीं करेंगे, इतना आपने पेशेंस बना के समझा इस चीज को, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सारी कंपनियां स्ट्रक्चर के अंदर है आपके वर्क करती हैं, ये मैं लिस्ट पूरी आपको दे दे रहा हूँ, आप आराम से पढ़िएगा स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या नॉलेज चाहिए वो भी आप यहाँ पर देखिएगा। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या एग्जैक्टली गाइस, या फिर बोलिए कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है, तो थोड़ा सा 2 मिनट इसके लिए भी कि व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड व्हाट डू दे डू, मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर करते क्या है एंड व्हाट डू दे डिजाइन, सॉरी। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर गाइस मैं हमेशा बोलता हूँ जिसका आरसीसी अच्छा है, जिसका सोम अच्छा है, जिसका अर्थक्वेक एनालिसिस का सब्जेक्ट अच्छा है, ठीक है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग जिसको हम बोलते हैं, डायनेमिक्स अच्छा है, वो लोग इसके अंदर वर्क करें। रीजन क्योंकि ये मैथमेटिक्स ऑफ डिजाइन है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स ऑफ डिजाइन,
इसके अंदर सिंपल क्या होता है कि एक आर्किटेक्ट के विजन को हम स्ट्रक्चर फॉर्म देते हैं, मतलब किसी ने बता दिया कि ये मॉडल ऐसा तैयार करना है, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, और एक इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना, ये स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है गाइस, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या क्या कर सकता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर खुद का एक कंसल्टेंट हो सकता है, ठीक है, इंस्पेक्टर हो सकता है, इंस्पेक्टर मतलब गाइस वो जाके जांच कर सकता है, ठीक है, डिमोलिशन में भी वो हेल्प करता है कि आप इसको रेट्रोफिट, मान लीजिए कोई कॉलम है जर्जर है, रेट्रोफिटिंग के लिए भी स्ट्रक्चर इंजीनियर हेल्प कर सकता है, उसके अलावा डिमोलिश के लिए भी हेल्प करता है, किस तरीके से थोड़ी एक स्ट्रक्चर में ज्यादा किसी का नुकसान हो, ठीक है। तो कुल मिला के एक स्ट्रक्चर इंजीनियर एज ए कंसल्टेंट भी बन सकता है, जॉब भी कर सकता है, इंस्पेक्टर भी बन सकता है, मतलब चेकिंग भी कर सकता है, डिमोलिश भी कर सकता है। अब जो हम लोग स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सीख रहे हैं गाइस, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग वैसे तो बहुत बड़ा है, ठीक है, अ सिस्टम डिजाइन टू रेजिस्ट और सपोर्ट लोडिंग डिसिप्यूट एनर्जीज, यही हमारा काम है। तो हम लोग जो अपने इस 4 मंथ के गुरुकुल में पढ़ेंगे गाइस, वो पढ़ेंगे अबाउट बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। एक और इंजीनियरिंग है जिसमें नॉन बिल्डिंग स्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस, टनल, डैम्स, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट हाई हाउसेस, स्कैपर्स, और उसके बाद बड़े बड़े बिल्डिंग्स की डिजाइनिंग्स, ये हम लोग इस 4 महीने के अंदर सीखेंगे। अब वो लोग सर ये भी सिखा दीजिए, तो 4 मंथ में ये सीखना संभव नहीं है गाइस, ठीक है, 4 मंथ में इतना ही कवर करने के लिए बहुत कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें देखना है कि उस बिल्डिंग की इफिशियंसी भी अच्छी होनी चाहिए, उसका इकोनॉमी भी बजट से अकॉर्डिंग हो, एलिगेंस भी अच्छा है, इसलिए बहुत मेहनत करके बहुत कॉन्सेप्ट वाइज हमें स्ट्रक्चर को डिजाइन करना पड़ता है। ये स्ट्रक्चर देखने में कितने आसान लगते हैं, बट बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर इंजीनियर बहुत मेहनत करता है, क्योंकि अभी देखिए मटेरियल भी बदल रहे हैं, जैसे कि पहले आयरन वगैरह यूज करके पूरा घर वगैरह बनते थे, अभी देख रहे हैं आप स्टील और कंक्रीट से बन रहे हैं, फ्यूचर में आपको CFRP मिलेगा, और उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन मिलेगा, CNT मटेरियल, उसके बाद UHPC मटेरियल्स, मतलब आगे फ्यूचर्स में अलग अलग मटेरियल्स मिलेंगे। तो हमारे लिए चैलेंज बढ़ता चला जा रहा है, नए मटेरियल के साथ, इकोनॉमी में अच्छे स्ट्रेंथ के साथ हाई राइज बिल्डिंग्स कैसे बनाए। तो ये स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का पूरा एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, आगे हम नहीं जाएंगे नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा। आप इसको ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दे रहा हूँ, यू कैन जस्ट रीड दैट। अब मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ गाइस, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए अभी हैंडरेज आप लोगों ने किया हुआ है, थैंक यू, आप लोगों ने समझा इस चीज़ को और ये समझा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारी गारंटी है कि अगर आपने 4 मंथ अच्छे से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को सीखा तो इंटरव्यू तो क्रैक हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गाइस सबके। अनमोल जी आपका कोई क्वेश्चन है, अनमोल के बाद हम लोग प्रहलाद का क्वेश्चन लेंगे। अनमोल यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, और किसी को पूछना है गाइस बस हैंड रेज कर लो, सबके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है अनमोल, ठीक है, बिल्कुल निखिल आने की आपका भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार मैं अनमोल के क्वेश्चंस को कवर करना चाहूंगा, और अनमोल नहीं पूछ पा रहे हैं शायद, प्रहलाद के क्वेश्चन को कवर करता हूँ। प्रहलाद नो कैन आस्क यू क्वेश्चन। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैं अभी करंटली 3rd ईयर परस्यू कर रहा हूँ, अच्छा जी, क्या मैं इस कोर्स के लिए एलिजिबल हूँ? 3rd ईयर में अगर हैं तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि देखिए ब्रदर्स में सोम और आरसीसी लगता है, जहाँ तक तो कि मुझे लगता है आपका सब्जेक्ट हो चुका होगा, सोम भी हो चुका होगा, आरसीसी या तो इस सेमेस्टर में होगा या फिर हो चुका होगा, राइट? यस सर, 5th सेम में है अभी आरसीसी। एग्जैक्टली, तो आरसीसी में क्या होगा ब्रदर, इससे आप इससे भी हेल्प मिलेगी और उसका भी इसमें हेल्प मिलेगा, तो सोम और आरसीसी अगर आपने पढ़ लिया है तो इसका आपको हेल्प मिलेगा 100%, ठीक है। ओके अगर ये सर, दोनों सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है तो फिर नहीं, ठीक है। यस सर, हाँ, तो क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट अगर कॉलेज में भी एक बार आपने रफली तरीके से भी सीखा हुआ है तो आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। प्लस ये भी बता दूं कि डिप्लोमा वालों के लिए कोर्स बिल्कुल नहीं है, तो अगर कोई डिप्लोमा वाले हैं तो सॉरी टू से, आपके लिए BIM बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि एटलीस्ट मिनिमम एलिजिबिलिटी डिग्री लगती है इसके अंदर, ठीक है। चलो एक महावीर क्वेश्चन जाधव जी का क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। हाँ जी महावीर जी पूछिए, महावीर जाधव कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, ठीक है। दिनेश कुछ पूछना चाह रहे हैं, यस दिनेश बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर अभी मेरा तो BTECH कंप्लीट हुआ है, हाँ लेकिन हर कोई भी कंपनी में मैं जा रहा हूँ, मतलब मेरा जो स्ट्रीम था हमारे कॉलेज में एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एक नया ब्रांच चालू हुआ है सर, तो उसमें वाह, मैंने किस मेरा कॉलेज में, BTECH कंप्लीट किया है, कौन सा कॉलेज में? संजीवनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोपरगांव। अच्छा संजीवनी कॉलेज में,
और वहाँ के एक टीचर का मैं वीडियो देख रहा था, बड़ा अच्छा, वो पढ़ाते हैं डायनेमिक एनालिसिस वगैरह, मुझे नाम याद नहीं आ अच्छा, रहा, सैयद सर शायद। शायद हो सकता है। मैं एक दिन एक कॉन्सेप्ट समझ रहा था, ठीक, बड़ा अच्छा तरीके से उन्होंने समझाया, मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैं कॉलेज में, अब देखो उनको मैं देख के फिर कॉलेज में गया, मुझे अच्छा लगा कि चलो ऐसे अच्छा भी टीचर हैं जो इस लेवल पर जाते हैं, बहुत अच्छा हाँ लगा सर, मुझे। हो सकता है सर। हाँ तो हाँ, आप पूछो क्वेश्चन अपना। हाँ सर, वही अभी मतलब मैं किसी भी मराठी समझ में आती है सर? समझ में आती है, बट अच्छा होगा हिंदी बोलोगे तो सबको समझ ठीक में है, आएगा। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मतलब फिलहाल कोई भी कंपनी में मैं जा रहा हूँ ना, तो मतलब स्ट्रक्चर के लिए या डिजाइनर के लिए मैं देख रहा हूँ जॉब। हाँ लेकिन हर कंपनी वाले बोल रहे हैं कि आपका एमटेक होना जरूरी है। ओके, और एक बात है कि मैं हर अभी लिंक्डइन पे है, naukri.com पे, हर जहाँ पे देख रहा हूँ, एज ए डिजाइनर, एज ए ट्रेनी बोल के भी जहाँ सर्च कर रहा हूँ ना मैं, वहाँ पे मिनिमम जीरो मतलब एक साल का, 2 साल का है, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। ये देखो, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ऑनेस्ट आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है, कि आपको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए बीटेक एलिजिबिलिटी इज द सफिशियंट, ठीक है। और मैं चाहता हूँ उसको मैं प्रूफ के तौर पे भी आप सभी को दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि लगभग 80% कंपनी में बीटेक एलिजिबिलिटी इज द सफिशियंट। अभी हम डायरेक्ट आपके सामने अभी वकील मेहता जी का कंसल्टेंसी खोल लेते हैं, ठीक है। अब इनके यहाँ देखिए, अगर इन्होंने एलिजिबिलिटी लिखा है क्या, फिलहाल इन्होंने एलिजिबिलिटी लिखा नहीं है, ठीक है। दूसरी कंपनी देख लीजिए स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए, ठीक है, इन्होंने एलिजिबिलिटी लिखा है क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, डिग्री इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से और मास्टर डिग्री मास्टर डिग्री इज प्लस, इज ए प्लस। हाँ, अच्छा मतलब डिग्री 100% कंपलसरी है कि आपको डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री क्या है, प्लस है, ठीक है। और भी कंपनी देख लीजिए, मैं तो आपको डायरेक्ट गूगल से ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और भी कंपनी, जैसे कि इन्होंने दिया होगा क्या, ठीक है। अब देखो इन्होंने लिखा हुआ है स्ट्रक्चर इंजीनियर को 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, बट इन्होंने ऐसा कोई रीजन नहीं डाला कि मुझे यही डिग्री ही चाहिए या फिर मास्टर ही चाहिए, ऐसा इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। और कंपनी देखो, जैसे अच्छा कि ठीक है ये कंपनी देख लो, अब इनके इन्होंने क्या लिखा है, लुकिंग फॉर द फ्रेश ग्रेजुएट, आगे क्या लिखा है उन्होंने, बी टेक बीटेक बीई बी एम टेक और यहाँ एनी पर देखिए आगे लिखा स्ट्रक्चरल हुआ और, इंजीनियर है ना, और यहाँ पर देखो, ठीक है, ये 100% श्योर हूँ मैं, ठीक है। अभी सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर के प्रोफाइल देख लीजिए आप, ठीक है, तो आपको और आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर इन्होंने क्या डाला हुआ है। रिक्वायरमेंट तो भाई उनका रहेगा ही, क्योंकि सीनियर का मतलब होता है कि एक्सपीरियंस है ना, सीनियर हो तो फिर उनका रहेगा ही कि एमटेक हाँ। नहीं चाहिए नहीं और ये नहीं सब। ऐसा नहीं है, एमटेक नहीं, रिक्वायरमेंट मींस उनको नॉलेज का रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए, हाँ मतलब एमटेक नहीं तो फिर कुछ तो नॉलेज, एक्सपीरियंस ठीक है, लगेगा ना नॉलेज। उनको ठीक है ऐसे। देखो, यहाँ पर आप किसी भी कंपनी में जाओगे, जैसे मैकडोनल्ड भी बहुत बड़ी एमएनसी है, ठीक है। अभी इन्होंने एलिजिबिलिटी में क्या हाँ लिखा है, अभी हाँ देखो यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग्स और मास्टर इन स्ट्रक्चर, मास्टर स्ट्रक्चरल और इंजीनियर। लिखा हुआ है, समझ रहे हैं आप। अब ये इतनी बड़ी अच्छा हाँ कंपनी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो सिविल इंजीनियर्स उनको पता है, बहुत बड़ी एमएनसी है ये, ठीक है। और इनके पैकेजेस भी, अगर आप यहाँ मेंशन हो तो मैं दिखा सकता हूँ, इनके पैकेजेस 10 लाख 12 लाख के पैकेजेस होते हैं इनके। तो कोई भी कंपनी जो होती है उनको मेन एसेंस होता है नॉलेज, ठीक है। क्या होता है कि हम लोगों के अच्छा पास नॉलेज फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो बोलते हैं कि एटलीस्ट एमटेक होगा तो कुछ तो जानता ही होगा नॉलेज के नाम पे, ठीक है। ठीक है, तो नॉलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नॉलेज फुलफिल कर देंगे तो कोई इनको कंपलसरी नहीं होता है। देखो तुम्हारी कंपनी अच्छा वालों, तुम्हारी कंसल्टेंसी है, तुम पहले डिग्री देखोगे, पहले काम करने वाला देखोगे, अगर तुम्हारी कंसल्टेंसी है तो पहले तुम ये सोचोगे ना कि जो मेरे पास है वो काम को फुलफिल कर काम सकता करने है, वाला है, पहले एग्जैक्टली, देखूंगा ठीक है। तो उसके लिए आप मैं। फिर श्योर हो कि डिग्री सफिशियंट, हाँ ये भी मैं बोलूंगा 10 से 20% कंपनियां ऐसी होती है जिनको एग्जैक्टली चाहिए होता है कि मुझे मास्टर्स ही चाहिए, ठीक है। वो ऐसी कंपनियां होती हैं जो केवल हाई राइज बिल्डिंग की डिजाइनिंग करती हैं, उनके लिए हो अच्छा सकता है, बट छोटी बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग या फिर G+10 G+20 वाली बिल्डिंग्स को बीटेक इज द सफिशियंट, ठीक है। एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब हम डीआईएम में भी काम करते हैं, जो हमारा रेवी स्ट्रक्चर है, तो सर उसका कैसे होता है मतलब? देखो रेवी स्ट्रक्चर में हम डिजाइन नहीं करते हैं, रेवी स्ट्रक्चर एक्चुअली BIM का सॉफ्टवेयर है, उसका काम है 3D डिटेलिंग करना, ठीक है। जैसे आप ऑटोकैड में अच्छा 2D डिटेलिंग करते थे ना, वैसे ही 3D डिटेलिंग करने के लिए रेवी स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तीन सॉफ्टवेयर है मार्केट के अंदर जो सबसे अच्छा करते हैं 3D डिटेलिंग्स, एक है रेवी स्ट्रक्चर, एक है आपने सुना होगा टेक्ला स्ट्रक्चर्स, और टेक्ला स्ट्रक्चर। एक और है शायद आप लोग कम सुने होंगे, एडवांस स्टील करके, ठीक है, एडवांस स्टील, अच्छा
टिकला स्ट्रक्चर्स और रवि स्ट्रक्चर, तीनों का काम एक ही है, थ्री हाँ डी हाँ हाँ ड्रिलिंग अच्छा करना। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा जो सॉफ्टवेयर है वो टिकला है, सेकेंड नंबर पर रवि स्ट्रक्चर है, थर्ड नंबर पर एडवांस टीडीआर। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो हमने यूज करके देखा हुआ है, कोई ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ये नंबर इसको दे रहे हैं, बट जो यूज करके लगता है ना कि यार ये वाली बाइक अच्छी है, ये वाली बाइक उससे कम अच्छी है, ऐसा होता है ना, उस पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं आपको। हाँ ओके, और कोई क्वेश्चन है आपका? सर, मतलब अभी मैं हर दिन 4 4 5 5 कंपनी को अभी मैं रेज्यूमे सेंड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मतलब क्या उसका है, मतलब ऐसे भी मेरे मन में ऐसे हो रहा है कि मैं चेंज करूँ अपना स्ट्रीम, क्योंकि मैंने अभी पूरा तो एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर करके मैंने कंप्लीट किया है मेरा बीटेक, और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि बीम में चला जाऊँ या स्ट्रक्चर में रहूँ। देखो दिनेश, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्त जैसे मेरे पास भी कोई अगर फोन करते हैं, फिर आपके पास भी आते होंगे, तो देखिए क्या होता है कि आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जैसे बच्चे ने फोन किया, सर मैंने डिप्लोमा किया, मेरी जॉब लगवा दीजिए। मैंने कहा किस बेसिस पे लगवा दें, तो तुम्हें ऑटो कैड आता है क्या? बोला हाँ सर ऑटो कैड आता है। मैंने उससे पूछा पर्च कमांड का यूज पता है क्या? उसको पता ही नहीं पर्च कमांड का यूज क्या होता है। फिर मैंने उससे हाँ पूछा कि चलो कोई बात नहीं पर्च हो सकता है, ना पता हो। एक्स रेफरेंस कमांड का यूज पता है क्या? नहीं पता है उसको। मीन्स उसको स्किल क्या आ रही है जिसके बेस पे मैं उसको हायर कर सकूं या फिर किसी को रिफर कर सकूं। तो मैंने उसको यही समझाया कि आप डिग्री जो लिए हो कागज की, उसका काम है कि एंट्री करवा देना, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, बट वो आपके काम को थोड़ी फुलफिल करेगी। अब आप खुद से पूछो कि क्या मैं G+10 को डिजाइन कर सकता हूँ, G+5 को डिजाइन कर सकता हूँ? अगर नहीं कर हाँ सकता हूँ तो मैं अप्लाई क्यों कर रहा हूँ? हाँ सर सही है। ठीक है, फुलफिल कर पा रहा हूँ क्या? आपके पास ऐसा कुछ है? जैसे हम लोग अपने गुरुकुल के अंदर क्या करते हैं, पोर्टफोलियो बनवा देते हैं, जैसे भी अरुण कमेंट कर रहे हैं, अरुण का बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है BIM के अंदर, तो स्ट्रक्चर में भी ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो बनवा देते हैं। अब पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो एक तरीके का आपका पास है। पोर्टफोलियो का मतलब है कि आप सब, स्वाभाविक सी बात है, अभी जब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, बड़ा इजी सा एग्जाम्पल आपको फिर से लेता हूँ, कि दो कुक आए मेरे पास, मेरे पास एक होटल है, और दो कुक आए, को एक कुक आया बोलता है सर मैं समोसा बहुत टॉप क्लास का बनाता हूँ, सिटी में मेरे से कोई समोसा नहीं बनाता। और एक कुक मेरे पास आया और बोलता है सर ये मेरा समोसा एक बार टेस्ट करके देखिए, मैंने अभी भी जस्ट बनाया है आपके टेस्टिंग के लिए। इसने क्या किया, इसने मुझे प्रैक्टिकली दिखाया कि मैं ये समोसा बनाया हूँ। वो क्या कर रहा है, लंबी लंबी फेंक रहा है कि मैंने समोसा बनाने में मास्टर डिग्री ले रखी है। अब बताओ उसके मास्टर डिग्री का मैं क्या करूँ जब सामने एक अच्छा सा बना के लाया हुआ है। सही है, समझ गए? तो रिक्वायरमेंट है यस कि सर। क्या हम काम को कर सकते हैं क्या। अब कंपनी ये चाहती है, रीजन मैं आपको ट्रेंड करूं 6 महीने के लिए, मान लो सपोज मैं अपनी कंपनी में हायर करूं 6 महीने के लिए ट्रेंड करूं, 6 महीने बाद आपको किसी ने बोल दिया अरे यहाँ तो बड़ा कम पैकेज है यहाँ चले जाओ, मेरा 6 महीने का मेहनत कहाँ गया भाई साहब? समझ गए? सही है, अब कंपनी हाँ। ट्रेंड नहीं करना चाहती है, कंपनी चाहती है कि आप उनको परफेक्टली बोल सकें इस कॉन्फिडेंस। और मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरे गुरुकुल में अगर जो बच्चा स्ट्रक्चर में 4 महीना दे दिया टाइम से, ये वो टाइम पास वाले लोग नहीं कि 10 मिनट से ज़्यादा मेरे पेशेंस नहीं है मैं जाता हूँ, ठीक है, वो लोग तो कचरे के डिब्बे में जाते हैं, बहुत बुरा वर्ड है, ठीक है, बट सच है, ठीक है। लेकिन जो डेडिकेटेड लोग होते हैं वो लोग के साथ क्या होता है कि अगर आप सोचो ना, तुम्हारी स्ट्रक्चर की कंपनी है, तुम्हारे बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तुम परेशान हो, कोई आया बोलता है सर मैं आपके इस प्रोजेक्ट को बहुत कम चार्जेस में करके दे दूंगा, क्यों नहीं दोगे उसको प्रोजेक्ट? सही है सर, समझ गए? तो काम दिखाओ, हाँ डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, जस्ट एक एंट्री पास है। ठीक है, मैं कहता हूँ तुम फॉरेन से सीख के आ जाओ समोसा बनाना, लेकिन एक लड़का आया हुआ है कभी नहीं बनाया था, बस उसको कभी कोई डिग्री नहीं लिया बट बनाने में एक्सपर्ट है, मैं उसको हायर करूंगा। क्लियर? अभी मेरा एक यस बहुत अच्छा एक कलीग है, अभी तुमको बहुत वो अजीब लगेगा वो बोलते हुए, वो लड़का झाड़ू लगाने का काम करता था, पोछा लगाने का काम करता था किसी एक XYZ प्लेस, या फिर बोलिए मेरे ही जगह पर। ठीक है, अभी अरे बाप रे, इस समय वो बहुत अच्छा कॉन्ट्रेक्टर है, बहुत अच्छा डिजाइनर है और बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर इंजीनियर है। उसने सिर्फ और बाप सिर्फ रे, डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, और बड़ा हैरानी होगी हाँ आपको, हाँ अभी मेरे पास उसका रिसेंट काम आया, एक्चुअली उसने मेरे ही किसी कलीग को अपना कोटेशन भेजा था 5.5 लाख रुपए का एक इंटीरियर का रूम करने के लिए, ठीक है, मॉडलिंग करके इंटीरियर करने का। तो जानते थे कि मेरे पहचान का है, तो बोले सर थोड़ा पैसे कम करा दीजिए, 5.5 लाख मांग रहे। तो फिर मैंने उसको बोला, 50,000 उसने कम किया मेरे एंड पर। तो कुल मिला के सोचो अच्छा कि वो, अभी मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूँ उस प्लेटफॉर्म पे, बट ये सोचो कि वो लड़का जो कि डिप्लोमा तो उसने कैसे किया, 12th के बाद काम करने लगा, साइड बाय साइड करते हैं ना बच्चे, वैसे किया, उसको काम का नॉलेज था।
कुछ दिन तक मेरे पास ऐसे सीखा, छोटा मोटा काम करता था इधर से उधर, ये वो चाय पानी सारी चीजें, देखते देखते उसको ग्रास करता गया। बड़ा अजीब लगेगा सुनते हुए। और इस समय वो क्या बोलते हैं, इतनी बेस्ट मॉडलिंग करता है कि हमारे गुरुकुल में 4 महीने सीखने के बाद भी उतना अच्छा नहीं कर सकते जितना अच्छा वो करता है। बाप रे। ही डोंट हैव अ डिग्री, ठीक है, डिप्लोमा बेसिस पर अच्छा वो एलिजिबल नहीं है हाँ साइन करने के लिए, बट उसको आता बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के इसमें क्या मतलब है दिनेश, कि हम डिग्री कितना लिए हैं ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि काम आता है क्या, ठीक है। इसीलिए गुरुकुल के अंदर क्या करते हैं, हम आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट देते हैं, कर क्या हो। अब उसमें क्या होता है, काफी बच्चे इरिटेट भी हो जाते हैं कि यार खुद से करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। नहीं खोजोगे तो करोगे क्या, कॉन्फिडेंस सही कैसे है आएगा, सर ठीक है। तो सही है। इसलिए हम इसके अंदर यही बार बार करवाते हैं कि आप प्रोजेक्ट लीजिए, करिए। और उसके बाद कैसे होता है, एक प्रोजेक्ट में आप कुछ गलत करोगे, मैं बताऊंगा यार ये तो पूरा ही गलत किए हो, कोई बात नहीं। दूसरे प्रोजेक्ट में वो चीजें तो सही करके आओगे ना जो गलत किए थे, फिर तीसरे में और सही करोगे, चौथे में और सही करोगे। जब इस तरीके से कंटिन्यू आप करते जाओगे 100% आप क्या कर सकते हो, 4-5 प्रोजेक्ट के बाद गलतियां खत्म होने लगती हैं, ठीक है। तो आपने 4-5 प्रोजेक्ट कर लिया, तो आपने, आप देखिए यहाँ पे एक आमीन है, आमीन स्टार्टिंग कर रहे थे मॉडलिंग, तो ये मॉडलिंग उतनी अच्छी नहीं कर पा रहे थे। और अभी ये बीएम के स्टूडेंट है हमारे, उन्होंने मैसेज किया तो नाम याद आ गया, स्टार्टिंग में इनकी मॉडलिंग उतनी अच्छी नहीं थी, पर एक प्रोजेक्ट किया, दो प्रोजेक्ट किया, तीन प्रोजेक्ट किया, अभी इस समय इनकी मॉडलिंग में मैं दिखा दूं तो आप बोलेंगे ही नहीं कि कोई बीम का फ्रेशर लड़का ऐसा बना सकता है, इतना टॉप क्लास है, अच्छा हाँ ठीक है। हाँ और मैं बहुत दावे से क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनके काम को देख रहा हूँ, 3 महीने हो गए लगभग, 2 महीने 2.5 महीने हो गए मुझे। तो कुल मिला के जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, परफेक्ट होने लगते हैं। और हाँ किसी को ये मत बताओ कि मैंने डिग्री किया हुआ है इसलिए जॉब दो, ये बताओ कि मैं डिजाइन कर चुका हूँ, इतनी बिल्डिंग्स का कर चुका हूँ, ऐसे किया हूँ इसलिए जॉब दो, अच्छा ठीक है। ये अब सुनो, तुम्हें सोचो ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं ये चीज सुनते हुए, कि यार मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने डिजाइन किया हुआ है एज कम्पेयर टू मैंने डिग्री किया हुआ है, गॉट इट, सही है सर। हाँ ठीक है, सर चलेगा। ओके प्रवीर कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं, यस प्रवीर बोलिए। थैंक यू सर। हेलो ओके जी, मोस्ट वेलकम। प्रवीर क्या पूछ रहे सर थे, एक्चुअली महावीर जाधव पूछना चाह रहे हैं, ठीक है जाधव जी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। थैंक यू सर। सर वो सर एक्चुअली ट्वेंटी नमस्कार, ट्वेंटी प्रवीर फोर बोल रहा था हाँ सर। प्रवीर थोड़ा सा रुक जाएंगे, इनका क्वेश्चन के बाद आप जी पूछिए। जी ओके जी हाँ जी हाँ जाधव बोलो। सर 21 का पास आउट हूँ मैं सर गवर्नमेंट कॉलेज से। तो उसके बाद आफ्टर मैं सर 2 ईयर प्रिपरेशन किया हूँ गवर्नमेंट का। तो सर अभी मैं जस्ट रिसेंटली कंप्लीट किया हूँ मेरा बीएम का कोर्स एंड मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मतलब वर्किंग है ऑन। तो बहुत सर बढ़िया, मैं वो 2 ईयर का गैप कैसे फुलफिल करूँ, वो ठीक है। क्वेश्चन था सर। आप अभी ऑलरेडी जॉब कर रहे हो राइट, नहीं सर एक्चुअली जॉब मैं नहीं कर रहे हो, आप सीख चुके हो, आप जॉब के लिए देख रहे हो राइट, देख रहे हैं। ठीक है। देखो क्या होता है इसमें, पहली बात तो 2 साल तो आप नहीं कवर कर सकते ज्यादा, ठीक। जैसे हम अपने गुरुकुल के अंदर क्या करते हैं, जैसे मेरे को कोई फ्रेशर आया, मान लीजिए आप ही आए स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपको 4 महीने वेल ट्रेंड करते हैं। वेल ट्रेंड मतलब कि अभी जो हमारे बच्चे हैं उनको पता है कि कम से कम 5 घंटे में बोलता हूँ, बट 6-7 घंटे मेहनत करा देता हूँ, ठीक है। उस बिहा पर मैं आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप लेटर देता हूँ, ठीक है। उस लेटर से क्या बेनिफिट मिलता है कि आप किसी कंपनी को बोल सकते हैं, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ, स्वाभाविक सी बात है अगर मेरे अंडर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मतलब आप सीख रहे हैं ना, ठीक है। तो मैं जब आपको एक सर्टिफिकेशन देता हूँ 6 मंथ इंटर्नशिप का, तो उसका एक मायने ये होता है कि आप पहले तो आपका गैप था, प्रिपरेशन कर रहे थे, बट अभी आप मेरे अंदर में वेल ट्रेंड हो रहे हैं। तो उसके लिए आपका 6 मंथ का वो इंटर्नशिप आपको एज एक्सपीरियंस इंक्लूड हो जाता है, और आगे आपके कैरियर में वो चीज़ हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं, अगर आप जहाँ पर भी XYZ, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन आप जहाँ पर भी सीख रहे हैं, अगर वो ऐसा कोई लेटर आपको देते हैं कि आपने क्या बोलते हैं 6 मंथ हमारे अंडर में इस तरीके से वर्क किया, क्योंकि मैं तो लाइव प्रोजेक्ट पर ही वर्क करा रहा हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है आप एलिजिबल है, तो आप कंपनी को बोल दीजिए कि मैंने 6 मंथ ये चीज़ों पर काम किया है, जो भी 6 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ, ठीक है। तो दीपांशु बस आपके क्वेश्चन भी ले रहे हैं बहुत जल्दी, तो इस तरीके से अगर आप बोलेंगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके गाइस, क्या बोलते हैं, अचानक से आई थिंक हैवी रेन होने लगा, उसकी वजह से लाइट चली गई, नो इशू, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे जाधव, कि अगर आपके पास ऐसा कोई लेटर है तो आप आराम से इस चीज़ को फुलफिल कर सकते हो,
ठीक है, विदाउट लेटर आपके पास थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। दूसरी चीज, कंपनी को ये बोलिए ज्यादा हो कि हमने ये वर्क किया हो, आपने कुछ प्रैक्टिस तो किए होंगे ना कुछ प्रोजेक्ट्स के, हाँ सर, हाँ ठीक सर, है, तो आपने बताइए कि ये देखिए ये मेरा काम है, उस काम का एक पोर्टफोलियो बनाइए। मैंने बहुत ढेर सारे यूट्यूब पे वीडियो बनाए हुए हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, स्किल्स गुरुकुल वाले यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो पोर्टफोलियो बना हाँ के उनको यूट्यूब पे देखा हूँ दिखाइए, सर ठीक आपके। है, उस पोर्टफोलियो को दिखाइए कि मैंने ये काम किया हुआ है। उससे क्या होगा, सामने वाली कंपनी को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार एक्चुअली में इन्होंने तो वही किया जो मुझे जरूरत है, और अगर आप उनकी जरूरत को फुलफिल करने का नॉलेज रख रहे होंगे 100% वो आपको कंसिडर करेंगे दोस्त, ठीक है। बाकी आपको मैं ये ठीक नहीं है सर, बोलूंगा कि आप उसको और कुछ गलत तरीके से एक्सपीरियंस दिखाएं, ओरिजिनल रहिए, बस नॉलेज इतना दिखा दीजिए कि उनको भी लगे कि यार ये तो फुलफिल कर ही रहे हैं, क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं। ठीक है सर, ओके जी, थैंक यू सर। प्रवीर ओके जी, मोस्ट वेलकम। एक क्वेश्चन प्रवीर का लेते हैं, फिर प्रियांशु का क्वेश्चन ले लेते हैं। यस प्रवीर बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सर एक्चुअली मैं उड़ीसा से जी 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 बोल रहा था। हाँ जी, सर अभी अभी मैं करंटली काम कर रहा हूँ क्यूएस के तौर पे। अराउंड मेरा 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है क्यूएस में। करेक्ट, तो अभी मेरे को क्यूएस में उतना मजा नहीं मिल रहा है, तो मैं थोड़ा डोमेन चेंज करने का सोच रहा था। तो सर सैलरी वाइज फिर कैरियर वाइज थोड़ा गाइड करेंगे सही रहेगा या फिर क्यूएस में ही रहना सही रहेगा। देखिए प्रवीर क्या है कि अगर आप ना इतने दिन आपका एक्सपीरियंस हुआ है, अब अचानक से अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आएंगे और आप ये एक्सपेक्ट करें कि क्वालिटी के बराबर मिल जाए, जो 10 साल में आपको मिला है वो तुरंत मिल जाए, तो ये तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ये आप भी मानेंगे, समझ रहे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपने 10 साल लगा के अपनी 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 जो भी सैलरी आपने किया होगा, राइट, तो क्या बोलते हैं, आप तो 10 साल सर लगा के 70,000 पे पहुंचे हो, गॉट इट, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ कि सर आपका 70,000 है। तो ऐसे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर भी दोस्त आपका नो डाउट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस काउंट होगा, वर्किंग एक्सपीरियंस क्वालिटी का स्ट्रक्चर से बहुत डिफरेंट है, समझ गए। तो आपको सर वर्किंग एक्सपीरियंस तो नहीं कैलकुलेट कर रहे, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको अप्रॉक्स 5 के आसपास पैकेज मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। अब इसमें एक चीज कर सकते हैं आप, ठीक है, जो मैं बहुत लोगों को रिफर करता हूँ कि आप अगर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो दो पॉइंट आपके पास हो सकते हैं। एक पॉइंट ये कि आप अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्चुअली फ्रीलांसिंग सर मैं प्रोजेक्ट्स। वही एम करके थोड़ा सोच रहा था, क्योंकि मतलब क्यूएस में ज्यादा क्लोरिकल लग रहा है, टेक्निकल करेक्ट उतना नहीं लग रहा है इसलिए करेक्ट सर थोड़ा। करेक्ट, तो मैं आपको ना इस अपने गुरुकुल में क्या करता हूँ कि आपको मैं इसमें पूरा का पूरा टेक्निकली कैसे प्रोजेक्ट्स लेते हैं, कैसे लाइसेंस बनाते हैं, कैसे फ्रीलांसिंग करते हैं, कैसे एक फॉर्म को रजिस्टर करते हैं, ये सब गाइड कर पाऊँ, ठीक है। तो आप इस जी यहाँ पर इस नॉलेज को यूटिलाइज करिए वहाँ पर, फिर यूटिलाइज करते करते एक टाइम ऐसा आ सकता है कि हो सकता है कि आपको कोई कंपनी, क्योंकि आप भी बता सकते हैं ना कि मैं लास्ट 3 ईयर से ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो अगर आप जॉब करना चाहें तो भी कंसिडर हो सकता है। मेरा सजेशन ये रहेगा 10 साल के बाद आपको अच्छा होगा कि अपना छोटा सा साइड बाई साइड स्टार्टअप स्टार्ट करिए और उसमें करियर बनाइए, क्योंकि जॉब आप 10 साल जी कर सर, पाएंगे। उसके लिए फिर ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स सही रहेगा या फिर आपका जो BIM वाला कोर्स चालू कर रहे हो वो सही अगर रहेगा? आप, अगर आप स्ट्रक्चर, अगर आप क्या बोलते हैं फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ज्यादा बेटर हाँ रहेगा, जॉब करना चाहते हैं तो BIM आपके जी आपके लिए बता रहा हूँ, दूसरे लोग इस चीज को कंसिडर ना करें। आपके लिए अगर क्या बोलते हैं बिजनेस करना है, अपना खुद का काम स्टार्ट करना है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ही बता रहा हूँ, अच्छा क्योंकि इसके अंदर क्या है बेटर कि इसके अंदर ऑटोकैड से प्लानिंग भी कर रहे हो आप, ठीक है, स्टैट प्रो ईटीएफ से डिजाइनिंग भी कर जी रहे हो, मैनुअल एक्सेल से चेक भी कर रहे हो, रेविट आर्किटेक्चर रेवि स्ट्रक्चर से मॉडलिंग भी कर रहे हो, पूरा ऑल इन वन पैकेज चल रहा है, समझ गए। तो इसलिए आपके लिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू, मैं दूसरे लोगों से कंपेयर नहीं करूंगा इस चीज को, ठीक है। और सर जो बेसिक चीज था जो शुरू शुरू में हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, अभी तो बहुत सारा चीज कंसेप्ट जो है भुला चुका हूँ, तो अभी स्टार्ट करूंगा तो हो देखिए पाएगा ये क्या? मुझे पता होता है प्रवीर कि हमारा बेसिक्स एक्चुअली आपका ही नहीं, बहुत से लोगों का भी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमने उनके लिए अच्छे अच्छे PDFs बना रखे हैं, ठीक है, जो जो बेसिक्स चीज़ की जरूरत होती है कंपनी को, जैसे कि अर्थक्वेक के लिए, डेंसिटी के लिए, मिक्स प्रोपोर्शन के लिए, IS कोड के लिए, तो उन PDFs के थ्रू मैं क्या करता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैं क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ, जो ऐसे हैं कि आप घर पे पढ़ सकते हैं उनको मैं आपको स्लाइड्स के रूप में दे देता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप उसको फॉलो कर लिए तो 100% आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक बुक भी, एक बुक भी रिकमेंड कर देता हूँ, अगर उस बुक को आप पढ़ते हैं, एक बुक इलस्ट्रेटेड G+3 डिजाइन करके बिल्डिंग के डिजाइन की मैनुअल बुक है, वो भी पढ़ लेते हैं तो आपका एकदम बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है,
जी सर। उसका और ये टाइमिंग क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा सर? इसका टाइमिंग रहता है इवनिंग में 7 to 8:30। अच्छा हाँ इवनिंग में 7 to 8:30 ठीक आप है कर सर। सकते हैं। फिर रिकॉर्डिंग भी मिलती है उसकी, कभी कुछ 10-5 मिनट लेट हो गया तो आप रिकॉर्डिंग से भी कवर अप कर सकते हैं। ठीक है जी सॉरी सर। सर, अभी हाँ कौन सा बुक बताया सर आपने? इलस्ट्रेटर G+3 मैनुअल बिल्डिंग डिजाइनिंग्स। अच्छा थैंक यू सर। ठीक है सर ऑथर का कुछ नाम है सर? ठीक है, तुरंत तो नहीं याद आ रहा मुझे। ठीक है आप कहेंगे तो हम ग्रुप के अंदर, यहाँ पर ग्रुप दिया है, अब ग्रुप के अंदर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, प्लीज प्लीज आप थोड़ा उसको शेयर देख शेयर लेना। कर देंगे तो अच्छा। 100% मैं कर दूंगा, अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है, है मुझे पता, मुंह में नहीं आ रहा है तुरंत। ठीक है ठीक है सर। ओके जी इसको ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इज दीपांशु का क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं क्या बोलते हैं मोहसिन का भी क्वेश्चन लेंगे। दीपांशु अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। डॉक्टर वीएल सर, थैंक यू सो मच अखिल, अभी तुरंत याद नहीं आ रहा था, अखिल ने बता दिया, डॉक्टर वीएल सर। ठीक है दीपांशु अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो जी, यस दीपांशु बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ सर, मैं ऐसे मुंबई में अभी वर्किंग कर रहा हूँ, साइट इंजीनियर है सर। करेक्ट हाँ बट सर, मैं तो करियर के लिए पूछने के लिए आया था कि सर बिलिंग इंजीनियर ज़्यादा बेटर रहता है या फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर, इस मतलब करने के लिए। देखो दीपांशु, इसमें ना अपना इंटरेस्ट चूज करो दोस्त। जैसे मैंने अभी बताया जस्ट कि अगर तुम्हें मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस पसंद है, तुम्हें अपना बिजनेस करना पसंद है, या फिर तुम्हें जॉब में ही कैलकुलेशन में बड़ा तुम्हें क्लिक होती है चीज़ें, जैसे कि शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन, ये सब अच्छा क्लिक होता है, तो देखो स्ट्रक्चर इंजीनियर हमेशा से व्हाइट कॉलर जॉब था, है और रहेगा, इसकी रिक्वायरमेंट कभी कम हो ही नहीं सकती। ठीक है बिलिंग करने के लिए आपके जो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए आज भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इसमें एक स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है, उसके लिए बिना किसी का कोर स्ट्रांग हुए वो दे ही नहीं सकता, फंस जाएगा वो। ठीक है बराबर तो स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा से क्लिकिंग जॉब रहा है, रिस्की जॉब रहा है। ठीक है और रिस्क है, इसकी वजह से ही पैकेज मिलता है। ठीक तो अगर आप ऐसा प्रोफाइल चूज करना चाहते हो तो ये है। बिलिंग क्या है, बिलिंग में फ्यूचर जो है उतना बेटर नहीं होता है। ठीक है रीजन, बिलिंग में आगे क्या करोगे, स्ट्रक्चर में आज तुम जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर हो, कल को तुम सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर बनोगे, फिर प्रोजेक्ट हेड बनोगे। ठीक है फिर हो सकता है फिर धीरे धीरे तुम फ्रीलांसिंग करो, आगे आगे बहुत से प्रोसेस कर सकते हो, खुद के कंसल्टेंट बन सकते हो, इंस्पेक्टर बन सकते हो। ठीक है और रेट्रोफिटिंग के लिए भी कंसल्टेंसी चालू कर सकते हो, बहुत से ऑप्शन बन जाते हैं, बट बिलिंग में इसके आगे क्योंकि लिमिटेड हो जाता है। ठीक है बराबर तो अब आप इसके अकॉर्डिंग सोचो, मैं डिसाइड करूँ आपका करियर गलत होगा, आप खुद से सोचो, मैंने दोनों का ऑप्शन बता दिया आपको। सर। बट क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर में इसलिए चूज भी करा था क्योंकि मैंने गेट का इसका प्रिपरेशन, आईएएस का प्रिपरेशन भी किया था। अब इससे आपका बट कोर तो स्ट्रांग हो ही गया होगा, है ना कोर, जी बराबर। तो अब उसका यूटिलाइजेशन बिलिंग में नहीं है, स्ट्रक्चर में बहुत भरपूर है। ठीक है आपको पता है कि मिनिमम परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज स्टील कितना डालेंगे। ठीक है बिलिंग में इसका कोई रोल नहीं है, बट स्ट्रक्चर में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है वन वे टू वे स्लैब फ्लैट स्लैब जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा, नो डाउट अगर गेट की प्रिपरेशन किया तो बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है उनको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में हमेशा आप यूज करोगे, एक्चुअली जो जी कोर इंजीनियरिंग है वो स्ट्रक्चर ही है ना, जो हाँ एक्चुअली एज इंजीनियर होता है। ठीक है बिलिंग और ये जो दूसरी प्रोफाइल्स होती है, प्रोफाइल्स में वो क्लिक नहीं होता है जो क्लिक इसमें होता है। नहीं ठीक है चलेगा, होप आप समझ गए होंगे, बाकी आपको इस सिलेबस वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है अरुण बोल रहे सर प्लीज मैं रीड माई, ओके ओके अरुण बस तुरंत एक मोहनीश का क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद जरूर करते हैं। मोहनीश अपना क्वेश्चन ले लीजिए, फिर कैफ साहब का क्वेश्चन बचा है। हेलो सर। हेलो यस मोहनीश बोलिए। या सर, एक्चुअली आई एम वर्किंग इन एनफेस एनर्जी व्हिच इज सोलर पैनल बेस्ड एंड आई एम वर्किंग ऑन ऑटोकैड। ग्रेट सो आई वांट टू स्विच माय करियर इन बीम। सो कैन यू टेल मी प्लीज व्हाट्स द बेसिक सॉफ्टवेयर्स और विच सॉफ्टवेयर्स वुड बी ए बेनिफिशियल फॉर मी। या दैट्स ग्रेट, यू जस्ट डिसाइड कि यू नीड टू गो इन बीआई, बिकॉज़ एज यू नो सोलर इंडस्ट्री इज गोइंग डाउन, इफ यू नो, इफ यू डोंट नो ट्राई टू नो दैट, ओके, बिकॉज़ आई नो नथिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री, राइट। सो इन दैट इंडस्ट्री ओनली वन प्लेयर इज गोइंग टू बी गेट ऑल द मार्केट, दैट इज द योर प्राइम मिनिस्टर फ्रेंड, गॉट इट। तो यू आर गोइंग टू बी सैचुरेटेड हियर, लाइक सेम लाइक अ जियो, ओके। सो बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू इज यू कैन बी मूव इन द बीआईएम, फॉर बीआईएम यू कैन बी स्टार्ट योर कैरियर विद रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी, नेविस वर्क एंड एक्ला।
सर, आई हैव डन रैबिट आर्किटेक्चर इन माय कॉलेज टाइम. सो आई एक्चुअली आई फॉरगॉट मेनली कमांड्स व्हिच इज यूज. एक्चुअली ओनली कमांड्स इज नॉट द प्रायोरिटी हियर. ठीक है, बीम यू नीड टू नो अबाउट एलओडीज, यू नीड टू अबाउट बीम इंप्लीमेंटेशंस, यू नीड टू नो अबाउट बीम स्ट्रेटजीज, यू नीड टू नो अबाउट बीईपी कोवी. ओके, सो दैट आर द कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड इन बीएम, बिकॉज इफ यू वांट टू लर्न रैबिट, यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, इवन माय वीडियोस आर आल्सो अवेलेबल देयर. ठीक है, यू कैन बी लर्न रैबिट बट यू कांट लर्न बीआईएम. गॉट इट? फॉर बीआईएम कॉन्सेप्ट यू नीड टू लर्न दीज आर द बेसिक्स कॉन्सेप्ट एंड देयर आर मेनी मोर आल्सो. देयर आर डायमेंशंस 6D, 7D, 8D. इन 6D देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर द सस्टेनेबिलिटीज, देयर आर सम सर्टिफिकेशंस. These are the things you need to learn about BMS, Building Management System, IBMS, Integrated Building Management System. So that are things if you learn, you can be moved in the BIM. Okay? How many years of experience you have in Solus? Yeah, sir, I have 3 years of experience. Okay. Okay. I will just guide you very well. If you want to know, you can just like call me in the mornings. Right now, I can't guide publicly. How can you manage your previous experience like with Beam? That exactly Okay. I will guide you. You can just call me in Okay, the okay. mornings. I'll guide you individually. Definitely, I will call you, sir. Okay, no issue. Okay, Okay. thank you. Okay, जी. क्वेश्चन गाइस फटाफट ले लेते हैं. सर अरुण बोले सर आई एम नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ सो मच नॉइस आर हैपनिंग देयर. ठीक है यार अरुण. अच्छा क्वेश्चन बड़ा लंबा से इन्होंने पूछा हुआ है. ठीक है कि सर माय नेम इज अरुण सने, आई एम ओल्ड, मुझे पता है बहुत अच्छे स्टूडेंट हो. अरुण ने डाला कि सर आई वांट टू लर्न, आई वांट टू इफ यू एक्सप्लेन द कोड. ठीक है, फॉर हाई रेज एंड 1893 टू नॉलेज अबाउट द मास पार्टिसिपेट. ठीक है, ये तो बहुत बड़ा सा टॉपिक आपने दो. आई डोंट एबल टू ज्वाइन गोको बैच बिकॉज ऑफ दैट. ओके ठीक है, नो इशू. मैं इन पे वीडियोस तैयार कर सकता हूँ और मैं पूरे क्वेश्चन कवर देव दत्त थोड़ा सा रुक जाएंगे तो आपके क्वेश्चन भी कवर करूंगा. गाइस 100% आपके सारे क्वेश्चंस कवर होंगे. ठीक है अरुण, अगर आप चाहें तो इनको मुझे इस मैसेज को अगर व्हाट्सएप पर डीएम कर दें तो मैं इन पे वीडियोस बना सकता हूँ दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आपको कुछ भी ऐसे दिक्कत हो रही है फाइनेंस को लेके तो आप मुझे कॉल कर लेना. आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट हो, मैं आपको कैसे भी करके मैनेज कर दूंगा. ठीक है, जो आपके लिए हो सकता है मैं अपने क्लाइंट पर कर भी दूंगा, आप उसके लिए मुझे पर्सनली कॉल कर लेना. ठीक है, एक क्वेश्चन इन्होंने प्रजापति जी का है कि सर इंग्लिश तो इंग्लिश होता है कि हिंदी में भी इंग्लिश कंपलसरी है दोस्त, जितने भी इंटरव्यू प्रजापति करोगे इसीलिए हमारा मॉक भी इंग्लिश में होता है. मैं कोई इंग्लिश को प्रिफर नहीं करता हूँ, ज़रूरत है सर. कहने मेक मे वीडियो हाउ टू प्रिपेयर द इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स और लेआउट. ठीक है, ट्राई करेंगे, मेरा इंटरेस्ट तो नहीं है उसमें, अगर आप बोलेंगे तो कर सकता हूँ, मुझे नॉलेज है. नॉलेज कैसे है, हमारे डिज़ाइनर कंपनी में करते थे. देवदत्त आप पूछना चाह रहे हैं क्या? आपको माइक कंटिन्यू ऑन. सर नमस्ते. नमस्ते जी. सर एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा पूछना था ये कि मैं 2019 का पास आउट हूँ सर, एमटेक हूँ सर स्ट्रक्चर में. तो सर मैं एक्चुअली साइट पे सर जॉब कर रहा हूँ, मैं ब्रिज सर, ब्रिज का अपना काम है सर. तो सर ये बेनिफिशियरी हो सकता है अपने लिए अपन अगर बिल्डिंग का लेके, और ये एक्सपीरियंस ब्रिज का काउंट होगा या कैसे क्या करना कितने रहेगा? साल का एक्सपीरियंस वो मैटर करेगा ना सर? 3 साल का है. अच्छा 3 साल का एक्सपीरियंस है. आप देखिए पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा काउंट नहीं होगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपका साइट का है. ठीक है, नो डाउट आपको थोड़ा सा स्टील के बारे में पता रहेगा, थोड़ा लैपिंग क्रैंक्स ये सब पता है ना, तो कंपनी कंसीडर तो करेगी आपके रिज्यूमे को, नो डाउट. ऐसी कंपनियां ज़्यादा करेंगी जो कंपनियां बीम और सॉरी ऐसी कंपनी जो स्ट्रक्चर्स में बिल्डिंग का और ब्रिज का दोनों करती हैं वो और ज़्यादा करेंगी. आप कर सकते हैं क्योंकि अभी नहीं करेंगे दोस्तों तो बाद में क्या होगा, लेट हो जाएगा. लेट हो जाएगा तब आपको दिक्कत आएगी. अभी तो आपने 3 ईयर ही किया हुआ है. जी सर, वही मैं उसी चीज को लेकर थोड़ा सा क्वेरी करना चाह रहा था. स्टार्ट तो पांच सर मैं साल कर हुआ तो फिर गए आप, फिर आपको बहुत ज्यादा गंदा बैक आना पड़ेगा और वो बैक आना ना उस समय फाइनेंशियली आपको हो नहीं पाएगा. ठीक है, तो इसलिए अभी का अगर करना हो तो आप कर सकते हैं क्योंकि अभी आपकी जो सैलरी होगी अंदाजन 40 के अंदर ही होगी. जी सर. ठीक है, 40 के अंदर है तो चेंज हो सकता है क्योंकि क्या बोलते हैं इतना कंपनी अफोर्ड कर सकती है आपके लिए. लेकिन अगर आप यही 70-80 के पास पहुंच गए फिर बैक आना 15-20-25 हज़ार पे पॉसिबल ही नहीं होगा, समझ गए? तो वहाँ पर दिक्कत जाती है लोगों के करियर के साथ. स्टार्टिंग में तो नो डाउट आपको एक सैलरी बेसिक ही मिलने वाली है किसी भी प्रोफाइल. ठीक है, तो इसलिए अगर आप करना चाहें अभी तो अभी आप 3.6 के आसपास पैकेज पा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप आगे. देखो 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो ग्रोथ तो तुरंत मिल जाएगी क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस भी तब काउंट में आ जाता है. ठीक है, तो अगर करना चाहो तो अभी कर. ठीक है, ठीक है सर, प्रिपेयर है उस चीज के लिए. यस, तो अगर करना चाहो तो अभी कर लो क्योंकि अभी कर लोगे तो लेट कम हो रहा है. ठीक
ठीक है। दिक्कत जैसे अभी देखो, अभी उन्होंने पूछा था ना, आपके दोस्त प्रवीर है, प्रवीर ने पूछा ना 10 साल, दस हाँ साल बैक आना। प्रवीर ने देखो, उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने अपने करियर को अच्छा डिजाइन किया, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि यार क्वालिटी में इसके आगे ग्रोथ है नहीं। जी तो ऐसी प्रोफाइल जिसमें आगे ग्रोथ ना हो, बहुत अच्छा डिसीजन वो ले रहे हैं कि उसमें बैक गियर लगाना जरूरी है। ठीक है, सर, इसपे ब्रिज डिजाइन को लेके भी अपन कुछ कर सकते हैं क्या काम सर इसमें? आप ब्रिज डिजाइन को लेके बिल्कुल कर सकते हो, बट ब्रिज में थोड़े से प्रॉब्लम क्या होती है कि ब्रिज की कंपनियां कम है, तुम्हें खुद बताओगे तुम उसी इंडस्ट्री में हो। ठीक है, गिन के कुछ कंपनियां हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, पता ही है ना। तो जी उन सर कंपनियों में एज ए डिजाइनर इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती है, क्योंकि जो वहां पर हैं ऑलरेडी वो सफिशियंट है, प्लस कुछ और हैं जो कि पर्याप्त उनके लिए फुलफिल कर देते हैं। हाँ लेकिन सर, अगर अभी तो सर कुछ कंसल्टेंट हैं जो वहीं का वहीं मतलब क्लियर कर रहे हैं, एक दो करेक्ट कंसल्टेंट हैं जहाँ से अपना ड्राइंग पूरा बन के आता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। करेक्ट, और ये फ्यूचर में अभी देखो कैसे कर सकते हो इसको, तो अभी अपने बिल्डिंग से स्टार्टिंग करके धीरे धीरे ब्रिज को भी इंडस्ट्री को अडॉप्ट करके कंसल्टेंट के तौर पे फ्यूचर में बनाना चाहोगे तो बन सकते हो, बट अभी तुम्हें बेसिकली जी जॉब करनी है जहाँ तक मेरा अंदाज है। ठीक है, तो जॉब सही के है सही है पर्सपेक्टिव से तुम्हें पहले बिल्डिंग्स में एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि जल्दी जॉब लग जाती है इसमें। ठीक है, ज़्यादा जी कंपनियाँ हैं ना, सर इसलिए जल्दी लग जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लो, उसके बाद धीरे धीरे आपको प्रमोट तो करना ही पड़ेगा, जैसे आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर ओके सर, हाँ ओके। अरमान कुछ पूछना चाह रहे हैं, अरमान बोलिए। जी सर नमस्ते नमस्ते जी। सर, मैं ये कह रहा था, मैं अभी 2024 में पास आउट हुआ हूँ बीटेक। तो सर मैं ये सोच रहा था बीम करूँ या स्ट्रक्चर, कंफ्यूजन है। देखो और इसमें वैसे भी मेरे को हाँ, ऑफिशियल वर्क चाहिए देखो पहली बात तो दोनों ही ऑफिशियल कुछ। वर्क हैं। ठीक है अरमान, अब इसमें तुम्हें थोड़ा सा ना अपना इंटरेस्ट चेंज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि तुम्हें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में मजा आता था, ब्रेक होती थी चीजें या नहीं होती थी। अगर नहीं होती थी तो फिर बीम में, तब स्ट्रक्चर में तुम करियर बिल्कुल मत बनाना। ठीक है, तब तुम्हें बीआईएम करियर बनाना चाहिए। और सर गल्फ कंट्री में दुबई यूएई के लिए गल्फ सही कंट्री में रहेगा टीम दोनों वगैरह? दोनों ही ज्यादा, गल्फ कंट्री में दोनों ही बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वहां पर हाई रिज बिल्डिंग बनती है, और आजकल जितनी हाई रिज बिल्डिंग बन रही है सब में बीम मॉडल बन रहा है। ठीक है, हमारे खुद के बच्चे बहुत ढेर सारे अभी रेविट पर, टेकला में काम कर रहे हैं, दुबई में, सऊदी में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बीआईएम में करियर बनाइए। अगर आपका स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट अच्छे नहीं है, इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं है आपका, और इंटरेस्ट नहीं है तो नो डाउट आप अच्छा नहीं नहीं करोगे है उसमें। ठीक है, तो फिर बीआईएम देखो अरमान। तो ठीक सर, अब है, नेक्स्ट बैच स्टार्ट हुआ तब ना, अब नेक्स्ट तो मैंने ज्वाइन किया नहीं कोई बात नहीं, अभी फिलहाल अभी तो 3 4 दिन ही सर, कब हुआ से है, स्टार्ट है? 3 4 दिन ही हुआ है। अगर आप करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो फिर नेक्स्ट बैच में कर लेना। ठीक है ओके, आपके यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर लोगे ना, तो आपको मैसेज कांटेक्ट कर लेना, तो आपको बता देंगे सर। ठीक है, जी सर, मैंने सर से किया था सर कांटेक्ट। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तब आपके लिए बीआई में अच्छा स्ट्रक्चर में मत करो मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है ओके, और एक ये क्वेश्चन ले लेता हूँ गैस निकी का। निकी ने बोला है कि सर क्या आज के वक्त में बीआई में इतना बूम पर है, ब्राइट पर फ्यूचर दिख रहा है, और स्ट्रक्चर के फील्ड में जाना अवेलेबल है। ठीक है, देखो पहली बात तो निकी, जिस मॉडल जिस बिल्डिंग का बी मॉडल बनेगा, 100% मान लो कि उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस होगा ही होगा। निक्की इसी को समझ रहे हो, जिस मॉडल जिस बिल्डिंग का बी मॉडल बनेगा, बिना स्ट्रक्चर एनालिसिस के वो मॉडल आगे जाएगा ही नहीं। तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रोफाइल है कि इसके बिना आपकी एंट्री पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये करना ही करना है बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, वो जो छोटे छोटे घरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो ठीक ठाक बिल्डिंग्स होती हैं, फिक्स है। तो जितने मॉडल का बी मॉडल, जितने प्रोजेक्ट का बी मॉडल बनेगा, उसका स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग तो फिक्स है। तो पहली बात तो यहीं पे क्लियर हो गया। दूसरी चीज निकी, क्या होता है कि इसमें इंटरेस्ट देखना होता है। कई लोगों को मैं देखता हूँ, हमारा एक स्टूडेंट है इंदौर का, ठीक है, वो बीम कर रहा था गाइस। ठीक है, लेकिन उसका जो पैसन दिख रहा था, मुझे साफ साफ दिख रहा था कि कैलकुलेशन को लेकर पागल हुआ रहता है। ठीक है, मैंने इसको जब गाइड किया तो उसने कैलकुलेशन जब करना बहुत अच्छा, उसने अपना करियर स्ट्रक्चर के तौर पर देखा। तो अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो इन सब्जेक्ट्स को लेके है, ठीक है, वो होता है सबको पता है जिसको मैथ पसंद है। ठीक है, अगर है तो नो डाउट उसके लिए आप स्ट्रक्चर करिए निक्की। अगर नहीं है, आपको लगता है नहीं नहीं सर इन सब्जेक्ट से मैं भागता था, तो भागते थे अगर, तो फिर आपको बीआईएम करना चाहिए। ठीक है, शुभम एक पावर करके क्वेश्चन, जो शुभम पावर जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर आई एम फाइनली सिविल स्टूडेंट, आई एम इंटरेस्टेड फॉर द स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, देन व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप आई कैन इजिली एंट्री इन। पावर, अगर आपको क्या बोलते हैं एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो अपना ये गुरुकुल सबसे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑटो कैड से चलते हैं, एकदम बेसिक से। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको पूरा जितना एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को पावर चाहिए, नॉलेज चाहिए, आपके नाम में ही पावर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो जितना नॉलेज चाहिए वो सारा कुछ जो है हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके अलावा कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें आईएएस कोड भी है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, डायनेमिक एनालिसिस की भी पूरा नॉलेज है, तो दैट इज 100% सफिशियंट। चलो एक और लोगों को क्वेश्चन है, बट पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ। क्या बोलते हैं अज्जू का, सॉरी अज्जू से पहले कैफ जी बहुत देर से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। कैफ अपना क्वेश्चन पूछ लो, फिर उसके बाद अज्जू का क्वेश्चन लेते हैं। कैफ आर यू देयर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाँ क्या बोलो। थैंक यू सर। सर मैं कैफ ओल्ड स्टूडेंट हूँ। हाँ हाँ पता है ना। क्या सर, मैं ज्वाइन किया था, बीच में ब्रेक कर दिया था, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं बराबर टच में सर के साथ था, आपके साथ में थी। हाँ हाँ फिर से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ सर, मैं स्ट्रक्चर में ही कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं। और ये मैं पूछ रहा हूँ सर, ये जैसे मैं साइट पे काम कर रहा था, वहाँ पे 5-6 महीना किया, हमको फीलिंग एकदम अच्छा नहीं आया, करेक्ट है। तो जो मेरा जो गैप है 2022 का पास आउट हूँ सर, हाँ तो अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना सर? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 मंथ का तो मैं ही आपको देने वाला हूँ सर्टिफिकेट, ठीक है? तो हाँ वो तो 6 मंथ ऐसे ही हाइड हो गया, क्योंकि हमेशा कंपनी को क्या चाहिए होता है, लास्ट आप कहाँ कर रहे थे, ठीक है? तो लास्ट आप मेरे अंडर में कर रहे थे, ठीक है? उसके पहले आप क्या कर सकते हो, उसके पहले आप बता सकते हो कुछ भी रहा होगा, कुछ प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे उसके पहले? हाँ प्रिपरेशन किया था, अगर ये अगर काम करने के लिए कंपनी में साइड पे बताएंगे तो इसका कोई कोई गलत दिक्कत नहीं इम्पैक्ट है, जाएगा, कोई क्योंकि गलत इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है? आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया है कंपनी, रिसेंट रिसेंट क्या कर रहे हो, रिसेंट आप ट्रेनिंग कर रहे हो राइट, स्ट्रक्चर की, ठीक है? तो ट्रेनिंग कर कंपनी रहे तो रिसेंट के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करेगी, ठीक है? हैं पुराना आप यूटिलाइज सर। करिए एक्सपीरियंस के तौर पे, पहले मैं उसमें था, उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर इंटर्न स्ट्रक्चर इंजीनियर के अंदर अपना स्ट्रक्चर इंटर्नशिप स्टार्ट किया, जिसमें मैंने ये चीजें को किया, ये प्रोजेक्ट्स किए, तुम तो पूरा गुरुकुल बताइए, तुम्हें पोर्टफोलियो बनाना ही है, दिखा दो कि ये पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, इतने प्रोजेक्ट्स मैंने किए हुए हैं, समझ गए? और कोई हम लोग गलत तो नहीं कर रहे, हम लोग तो ऑलरेडी वही कर रहे हैं जो ऑलरेडी हम लोग किया हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से करोगे आराम से ऐड हो जाएगा, डोंट वरी, थोड़ा मन लगा के करना इस बार, अच्छे से करना, ठीक है? ओके सर, इस बार ब्रेक हाँ नहीं करेंगे सर। थैंक कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है, ओके यू ठीक है, सर। कैप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कल कॉल कर लेना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके जी, हाँ अज्जू जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हानिफ का क्वेश्चन ले लेंगे। यस अज्जू बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, मैं अजय कुमार राय फ्रॉम ओडिशा। कौन? अजय कुमार राय जी सर। ओके, यहाँ पर अज्जू लिखे हो तो मैं तो अज्जू ही पढ़ूंगा ना, ठीक है? बोलो। तो मैं क्या है, अभी करेंटली एज अ साइट इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ, तो मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर इज लाइक ए ड्रीम जॉब सबके लिए, और लॉन्ग टर्म गोल है लाइफ का कंसल्टेंसी खोलना, बहुत तो उसका प्रोसेस क्या रहता है? ठीक है, उसका प्रोसेस ये है कि अगर आप क्योंकि देखो ये पूरे जो गुरुकुल है मैंने इसको कंसल्टेंसी के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया था, कैसे? पहले क्योंकि कंसल्टेंसी खोलोगे तो क्या करोगे आप, प्लानिंग का सलूशन दोगे लोगों को, राइट? प्लानिंग के लिए आपको ऑटोकैड की जरूरत पड़ेगी, छोटी बिल्डिंग्स होगी या फिर स्टील की बिल्डिंग होगी उसके लिए स्टैट प्रो आपको हेल्प करेगा, ठीक है? डिटेलिंग करने के लिए आपको आरसीडीसी हेल्प करेगा, ठीक है? हाई राइज बिल्डिंग आ गई उसके लिए ईटीएफ्स आपको डिजाइन करने के हेल्प करेगा, बड़े फुटिंग्स बड़े डिजाइन जैसे मैट वगैरह की फुटिंग आ गई तो आपके लिए सेफ डिजाइन आपको करेगा हेल्प, ठीक है? किसी ने बोला कि मेरा मॉडल कैसा दिखेगा उसके लिए रेविट आपको हेल्प करेगा, ठीक है? किसी ने बोला मुझे 3D डिटेलिंग चाहिए तो उसके लिए रेविट स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगा, किसी ने बोला मुझे बिलिंग भी चाहिए इस चीज का तो रेविट आपको बिलिंग भी करके दे देगा, किसी ने बोला मुझे बीबीएस भी चाहिए तो उसके लिए रेविट स्ट्रक्चर आपको बीबीएस भी निकाल के दे देगा। तो आपने क्या किया, कंप्लीट पैकेज दे दिया ना उसको, ठीक है? रेविट में क्या क्या होता है? रेविट में आप एस्टिमेशन भी दे सकते हो, मॉडलिंग भी कर सकते हो, बीबीएस भी निकाल सकते हो, 3D डिटेलिंग्स भी कर सकते हो जो इस कोर्स में है, ठीक है? तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन उसी हिसाब से मैंने बनाया है, क्योंकि मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है ना, तो हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो वही मैंने डाला हुआ है इसके अंदर, ठीक है? तो उसका टेंशन नहीं है, ठीक है? वो एकदम सर कंसल्टेंसी के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस कितना साल होना स्ट्रक्चर में? और अगर हमने बीटेक किया हुआ है तो आपके पास 3 साल, एमटेक किया है तो 2 साल, एमटेक किया है, हाँ एमटेक किया तो 2 साल। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके जी, हानिफ अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए।
उसके बाद कोई भी और भी गुड हैंड रेस इवनिंग, करना चाहे तो बिल्कुल हैंड रेस कर लीजिए। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। मैं जो है 2019 डिप्लोमा पास आउट हूँ करेक्ट और अभी करंटली जो है बीई थर्ड ईयर कर रहा हूँ। करेक्ट जो उसके साथ साथ जो है अभी एक साल जो है अभी मेरे लिए है, अभी फोर्थ ईयर को अभी एक साल कंप्लीट होने को। तो करेक्ट अभी तक मैं तो सिर्फ ऑटोकैड ही थोड़ा बेसिक्स सीखा हुआ हूँ, करेक्ट तो शुरू से स्ट्रक्चर में थोड़ा इंटरेस्ट है मेरे को। तो करेक्ट यही था कि स्ट्रक्चर्स अगर मैं इसमें थोड़ा, आप जो ये बैक बनाए कोर्स अगर मैं ये सीख लूँ तो क्या बाहर मिडिल ईस्ट में भी काम में आएगा क्या मुझे? 100% आएगा, क्योंकि देखो हनीफ क्या होता है, तुमको खुद पता है कि कोई बिल्डिंग जो है बिना डिजाइन किए तो नहीं बन सकती है ना, कहीं पर भी हो, ठीक है, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, चाहे इंडिया में, किसी भी कोने में हो, तो आपको जरूरत तो है ही डिजाइन करने का, और डिजाइन करने का कॉन्सेप्ट हमेशा एक जैसा रहता है, समझ गए? तो इसलिए कहीं पर भी जाओगे एक डिजाइनर की ओपनिंग निकली रहेगी, और तुम अगर अभी ये डिसीजन लेते हो तो तुम्हारा समय बचेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद वो करोगे तो 6 महीने तुम्हारा ब्लॉक हो जाएगा। अभी तुम्हारे पास भरपूर समय है, अगर अभी कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत लकी चीज है। जैसे अभी किसी का थर्ड ईयर था ना, मैंने बोला अगर वो अभी कर ले उसके लिए प्लस पॉइंट क्या होगा पता है? फाइनल ईयर तक में वो बहुत नॉलेज उसके पास आ जाएगा, बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगा, और फिर निकलने पर मार्केट में बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है? क्योंकि देखो अभी आपके साथ आपके सीनियर्स बोल रहे हैं ना कि मुझे ये चीज अब कर रहे हैं ना स्ट्रक्चर्स, मतलब स्ट्रक्चर में करियर तो है, ठीक है, तभी तो उनको स्वाभाविक सी बात है, जिसके पास 3 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, अभी आप आपके सामने ही आपके सीनियर्स ने बताया, तो समझो कि उनको स्ट्रक्चर में जाना है, मतलब पता है कि स्ट्रक्चर बेस्ट है, ठीक है, वही तो कर सर, सकते हो। एक हमेशा डाउट था कि अगर बाहर अगर मैं कहीं जाऊं तो उसमें एक्सपीरियंस थोड़ा होना नहीं पड़ता देखो है ना, तो एक्सपीरियंस रहे तो बहुत अच्छा है, बाहर के लिए अगर कहीं पर इंडिया में भी जॉब करोगे तो इंडिया में भी लोग यही बोलेंगे ना, कुछ काम आता है क्या, ठीक है, तो काम के लिए आपको दिखा सकते हैं ना कि हाँ भाई मैंने ये काम किया हुआ है, पोर्टफोलियो अपना दिखा दीजिए, ये देखिए मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ये प्रूफ है, ये मेरे पास ये फाइल भी रखी है, सर ने चेक भी किया हुआ है, ठीक है, सर इसलिए भी इसके आपको साथ साथ इंडिया में ये जॉब मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर, हाँ हाँ बोलिए। ये सॉफ्टवेयर के साथ कुछ एडिशनल कोर्स भी करना होगा या सर नहीं ये सफिशिएंट? मैं सॉफ्टवेयर के साथ, मैं किसी सॉफ्टवेयर में कैलकुलेटर बोलता हूँ, सॉफ्टवेयर इज ऑल अबाउट कैलकुलेटर, ठीक है, उसके जी पीछे जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट्स लगता है मैं ऑलरेडी आपको डेली देख। 1.5 घंटा सिखा रहा हूँ, यस ठीक है, कॉलम का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, कॉलम का थिकनेस कितना होना चाहिए, रेनफोर्समेंट कितना, एएसटी कितना आया तो कितने एमएम को कितना बार होना चाहिए, बीम की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, फुटिंग का साइज कितना होना चाहिए, पेडेस्टल का क्या काम है, ग्रिड का जीएल टू पीएल हाइट क्या होनी चाहिए, सील हाइट क्या होना चाहिए, लिंटेल सब मैं सिखाता हूँ इसमें, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा अभी ये इसको कोर्स सोचने में की जरूरत नहीं है। जी एनरोल करने के बाद में कोई मतलब इसका इससे ही स्टार्ट करना चाहिए ना सर, मतलब इसको अगर तुमने स्टार्टिंग? स्टार्ट विंड मेरा जितना मैंने दिया हुआ है दोस्त, इसको पूरा कर लिया तो समझ जाओ कि मेरे 8 साल का जो एक्सपीरियंस ये 4 महीने में तुम्हारे अंदर घुस जाएगा, ठीक वही है, सर, क्योंकि बेसिक्स क्योंकि तो अभी मैं पहले बहुत पहले सीखा था, करेक्ट अभी उतना बेसिक्स कवर जी, इसीलिए बोल रहा हूँ कि तो मैं ये हम लोगों कोर्स ने जी जो 8 महीने में जो सीखा हुआ है वो मैं 8 साल में जो सीखा हुआ है मैं आपको देने चल रहा हूँ 4 महीने में, ठीक है। हाँ वही बोलो, बोलते सर। और कुछ नहीं पूछना है क्या? ठीक है, नहीं सर, ये था। ओके जी, ओके जी। थैंक मयूर कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस मयूर बोलिए। यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर एक्चुअली मेरा एमटेक का सेकंड सेम का एग्जाम है 2 तारीख से, मैंने करेक्ट, आपको मैसेज भी किया था। मैं देख नहीं पाया होगा जहां तक मुझे लगता है। हाँ, 2 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक है, तो इतने 20 दिन के लिए मैं एक्चुअली बिजी हुआ, 20 से लेके 12 तारीख तक। अभी से लेके 12 तारीख तक अपना बैच कब से है? हाँ, 25 को। 25 से है, ठीक है, तो हाँ आप अब बिजी हो 2 तारीख से 12 तारीख तक हो ना, अच्छा, हाँ ठीक है, तो आपको ऑटोकैड आता है क्या? हाँ ऑटोकैड का कोर्स किया है मैंने, ठीक है, लेकिन वही डिप्लोमा के समय किया था। ठीक है, तो देखो अगर थोड़ा सा वो मेहनत लगेगा, आप क्या करना, थोड़ा सा हाँ पहले या फिर थोड़ा सा बाद में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एमटेक में अच्छा, अगर आपने इंजीनियर आपने एमटेक किया तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन फिक्स रहते हैं आने वाले, है ना, तो अगर आपको नहीं पता हाँ तो सर, अपने हाँ टीचर से बात करेंगे, बता देंगे क्या क्वेश्चंस रहते हैं, बस उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और जहाँ तक जो अच्छा सब्जेक्ट्स होंगे वो सब्जेक्ट आपके जो होंगे कोर स्ट्रक्चर के ही होंगे, डायनेमिक्स वगैरह होंगे, एफईएम होगा, यही राइट, यही सब सब्जेक्ट होंगे, तो ये सब्जेक्ट्स अपने ट्रेनिंग में भी हेल्प करेंगे। हाँ सर। अगर आपको लगता है कि मैं ऑटो कैड के क्या बोलते हैं ऑटो कैड को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, तो फिर आप कर सकते हैं,
क्योंकि 2 तारीख से 12 तारीख तक अच्छा हमारा सैटरडे संडे ऑफ रहता है हाँ हमारा, ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है। और नो डाउट हाँ कि एक दो छुट्टी और भी हो सकती है क्योंकि मेरे फैमिली के लोग भी आ रहे हैं घर से, ठीक है, मेरे मदर फादर आ रहे हैं, मैं पुरी में रहता हूँ, तो एक दो दिन हाँ छुट्टी होगी और, तो शायद 3 4 दिन तो मैनेज हो जाएगा, बाकी जो बचा आपका अच्छा क्लास में बसेगा, कुछ दिक्कत है हम क्लास में बता देंगे, ठीक है, तो उसका दिक्कत नहीं है, वो अच्छा मैनेज हो हाँ जाएगा, ठीक हाँ है, वो मैनेज हो जाएगा। हाँ, स्टार्ट करो, जब स्टार्ट हो जाए तो क्लास मिस मत करना, क्योंकि कोर स्ट्रक्चर वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके आगे कोई अल्टरनेट नहीं है। हाँ बराबर स्टैट प्रो अगर गया तो फिर सब गया, वरना हाँ सीखो, ठीक है, स्टैट प्रो से आपको कंपनी में हाँ अप्लाई करना है, क्लियर। हाँ चलो ठीक है ना सर। ओके जी, एक क्वेश्चन ले और लेता हूँ। सर एक्चुअली मैं अभी साइट इंजीनियर का जॉब करता हूँ, तो मुझे रूम में आने में 7 7:30 बज जाते हैं रोज, करेक्ट, तो ऐसा मैनेज करो तो कि साढ़े टाइम सात कैसे बजे आते से हो, 9 बजे तक हो पाएगा? बाइक वगैरह से आते हो क्या, बाइक वगैरह से आते हो क्या, किससे आते हो, नहीं कंपनी के है, फोर व्हीलर आते हैं, कंपनी के फोर व्हीलर आता है, रूम पास तो में है। हाँ, तो तब तो कोई हाँ दिक्कत नहीं है, अगर 7 बजे भी आ रहे हो तो आपको तो मोबाइल पर अटेंड करना है ना क्लास को, ठीक है, क्योंकि देखो दोस्त क्या अच्छा होता है कि हाँ मैं क्लास टाइम नहीं चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि उसके आगे मेरी बैचेस होती है ना अलग अलग, ठीक है, और तो इसलिए मेरे लिए संभव नहीं है, तो लेकिन आपके लिए संभव जरूर है कि आप क्या बोलते हैं मोबाइल पर अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 7 से 7:30 होता है इसमें मैं असाइनमेंट्स को चेक करता हूँ, हाँ ठीक है, और 7:30 से 8 टेक्निकल नॉलेज देता हूँ, ठीक है, और 8 से 8:30 आपका क्वेश्चन होता है जैसे आज हो रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सर डाउट्स और डाउट का ही पूरा अच्छा गेम है, ठीक है, तो 7 से 7:30 वैसे भी असाइनमेंट्स का हो रहा है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, 7:30 से 8 जो है वो मिस नहीं करना है, क्योंकि उसमें टेक्निकल नॉलेज मिलती है, और 8 से 8:30 आपके क्वेश्चंस रहेंगे, इस तरीके से 3 पार्ट में 1.5 घंटा होता है, क्लियर, हाँ सर तो मैंने मुझे लगता है मैनेज हो सर जाएगा, और कोई दिक्कत हाँ नहीं है, अगर कंपनी कंपनी गाड़ी आ और रही है सर तो हो ये जाएगा, स्ट्रक्चर इंजीनियर हाँ स्ट्रक्चर बोलो। डिजाइन का जो जॉब है ना सर, वो हाँ, क्या 100% ऑफिशियल है? 100% ऑफिशियल है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का काम ही नहीं है ना साइट पर, ठीक है, अगर काम रहा तो क्या ये वो होगा, स्टील चेकिंग के लिए वगैरह जाना हाँ, पड़ेगा? तो स्टील चेकिंग कितने बार होती है किसी प्रोजेक्ट का, केवल 3 से 4 विजिट होती है, कॉन्क्रीट से पहले 3 से 4 विजिट हाँ सर होती है, ठीक है, एक विजिट फुटिंग पर होती है, बट वो विजिट कैसी होती है, बहुत ही मजेदार विजिट होती है, एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर विजिट हाँ सबसे अच्छी चीज होती है, क्योंकि आप काम करने थोड़ी जा रहे हो, आप तो सर जाके चेक करने जा रहे हो, इंस्पेक्शन के तौर पर जा रहे हो, ठीक है, तो आपको एक बार फुटिंग के टाइम पे जाना पड़ता है, एक बार आप बीम के टाइम पे जाते हो, एक बार कॉलम का जब सेटअप हो जाता है बीम के साथ वो जाते हो, फिर उसके बाद स्लैब पे जाते हो, खत्म, ठीक है, तो केवल आपकी 4 विजिट होती है, बट वो विजिट कितनी ऑफिशियल होती है, बहुत मजेदार होती है, और मुझे लगता है वो विजिट पे जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो और बड़ी स्ट्रक्चर कंपनियां होती हाँ हैं उनके साथ क्या होता है, उनकी विजिटिंग टीम अलग होती है, ठीक है, जो इंस्पेक्शन का टीम होती है वो अलग से हो जाती है, तो उसमें आपका रोल ही नहीं रहेगा, वो उनका रोल रहता है, विजिटिंग टीम अलग रहती है उनकी, अच्छा ठीक है, और जो छोटी कंपनियां हाँ होती सर है उसमें दोनों रहते हैं, दोनों करना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं हो तो अच्छा है, कि कोई आप साइड खड़े थोड़ी हो रहे हो, आप तो टाइम पे जा रहे हो, चेक करके फटाफट आपको कैब दे रहे हैं, कैब से जाना है, चेक करके चले आना है, ठीक, हाँ सर। और सर ये भी पूछना था कि हाँ अभी मेरे जो यहाँ पे सैलरी है खाली 14,000 है, बहुत तो मैं बढ़िया, क्या 4 महीने के लिए क्विट कर दूँ जॉब खाली नहीं अपने कोर्स के लिए? नहीं मुझे लगता है क्विट नहीं करना चाहिए, अभी देखिए आपका पर्सनल फाइनेंस क्या अलाउ करता है दोस्त वो देखो, ठीक है, मैं इस चीज़ को अलाउ नहीं करूँगा, ठीक है, अगर मुझे लगता है कि अगर आपको क्या बोलते हैं एक सर्वाइव करने के लिए टाइम मिल रहा है, हैट्रिक बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा हाँ लाइफ को फ्लेक्सिबल कर लो, ठीक है, कैसे कि अपने आप को खींचो कि मैं अच्छा अगर हाँ और कर सकता हूँ, ठीक है, रात को जग जाओ, ठीक है, 3 4 महीने, 3 4 महीने की बात है, उसमें भी 2 महीने में काम भर का हो जाए, हाँ फिर जग उसके बाद सकता हूँ स्विच, उसके बाद स्विच कर लो, जॉब स्विच कर लो, छोड़ो मत, अच्छा हाँ ठीक है, छोड़ने के लिए किसको बोलना है, हाँ जो वो आपको सभी रात सही को 12 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, वो बेचारे क्या करें, वो छोड़ने चाहिए, सही है ओके, ठीक है, यहाँ हाँ ओके, मयूर क्लियर हो गए क्वेश्चंस, हाँ श्योर ओके जी, हाँ ठीक है, ये मनीषा बोल रही है कि सर ऑफलाइन क्लासेस होते हैं क्या, देखो ऑफलाइन मनीषा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास जितने भी बच्चे मैक्सिमम वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है, तो वर्किंग प्रोफेशनल जो है वो इवनिंग में फ्री होते हैं, और प्लस क्या बोलते हैं इवनिंग में किसी भी सिटी में, सपोज पुणे शहर में, मैं किसी को भी जॉब छोड़ने के लिए कभी अलाउ नहीं करता हूँ, तो जॉब छोड़ के हमारे पास आके क्लास लगाना
फिर उसके बाद जॉब का हेट्टी का अलग दिमाग पे रखना, और प्लस जो उसका कॉस्ट है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। अपने गुरुकुल का कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल है, 20,000 में कंप्लीट पूरी ट्रेनिंग, जिसमें स्टैट भी कवर हो रहा है, ईटीएफ भी कवर हो रहा है, सेफ मैनुअल आरसीडीसी ईटीएफ आरसी स्टैट प्रो, और उसके बाद आरसी रेविट आर्किटेक्चर रेविट स्ट्रक्चर रेविट एस्टिमेशन ऑटो कैड सब कवर हो जा रहा है एक बहुत ही अफोर्डेबल फी के अंदर। बट ये चीज़ें हम लोग क्या बोलते हैं ऑफलाइन करते हैं, तो ऑफलाइन भी इस चीज़ का फी चला जाता, मैं नहीं करता हूँ एक्चुअली, वहाँ का जो कॉस्ट है वो चला जाता है आपका 70 to 80,000। एज अ बिगनर लोगों के लिए बहुत टफ होता है कि 70 to 80,000 एफोर्ड करना, कुछ लोग एफोर्ड कर सकते हैं आई एग्री, बट सबके लिए नहीं है। जो बच्चे अभी देखिए जो है, जैसे इन्होंने जो इनकी 14,000 की जॉब है, अब इनको अगर 80,000 कलेक्ट करना हो तो इनको साल भर लग जाएंगे, क्योंकि उसमें खर्च भी तो करने हैं, ठीक है राइट मयूर? ठीक है, अब 80,000 इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इनको अगर अपने जेब से सीखना, और डेफिनेटली अपने जेब से ही सीखता है इंसान जब जॉब करने लगता है, इस वजह से ऑनलाइन इज द बेटर ऑप्शन। ठीक है सर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग ऐसा, ठीक है आई थिंक, चलो हमारा वैसे क्लास तो हो गया है लगभग, एक दो लोग के क्वेश्चंस बचे हैं कंप्लीट कर लेते हैं गाइस। ठीक है ओके, एंड अमित पूछ रहे हैं कि सर आई हैव कंप्लीटेड वीएम बट व्हाट आई डोंट हैव टू गो इंप्रूव। ओके, व्हाट व्हाट आई हैव टू डू इंप्रूव, इंप्रूव करने के लिए आपकी सबसे पहली बात कि अगर आप स्ट्रक्चर में करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर्स के बारे में आप नॉलेज ऐड करिए, वीआईएम में ही करना चाहते हैं तो अपने स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो को करिए, और एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाइए अमित, उस पे बेटर है। और नो डाउट अगर आप देखो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट ना, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का मतलब होता है जिसको हमें मुझसे बोलते हो गाइस कि जैसे कि पूरे बॉडी के बारे में एक अच्छे डॉक्टर को पता होता है, जो एक हड्डी का डॉक्टर होता है जो एग्जैक्टली पूरी हड्डी के एक एक पार्ट को जानता है, वो एक सही डॉक्टर मैं मानता हूँ, एक एक बोन्स को समझता है, एक एक चीज प्रॉब्लम को समझता है। ऐसे ही बिल्डिंग के बारे में समझने वाला अगर कोई है तो वो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोर समझना है तो कोर हमेशा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ही था है और रहेगा। ठीक है, और इसका ऐसा प्रोफाइल है कि ये प्रोफाइल कभी भी डिलीट नहीं हो सकता, ये प्रोफाइल हमेशा रहने वाला है। तो साई पूछना चाह रहे हैं कुछ, साई कंस्ट्रक्शन शायद इनका कुछ कंसल्टेंसी वगैरह है क्या, साई आप कुछ कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? यस सर, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग जी, हाँ सर, मैं 2021 का पास आउट हूँ सर। करेक्ट हाँ सर, मैं तब से ही प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी बोल सकते हो, हाँ फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ बिल्डर लोगों के। हाँ, करेक्ट तो अभी तक सर सब ठीक चल रहा है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रहा है मेरा, करेक्ट, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हूँ सर। तो ऐसी बात है, कुछ हम नया नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस तो वहीं रुका रहेगा। नहीं, कोशिश कर रहा हूँ बट सर कहाँ कम दे रहा हूँ ये समझ में नहीं आ रहा देखो है सबसे बड़ी चीज क्या हो सर। रही है, आपकी टीम कितने लोगों की है, आप अकेले हो या फिर और लोग भी हैं या फिर? सर डिजाइनिंग में तो अकेला ही डील करता हूँ, बाकी ठेकेदार वगैरह ये वो रहते हैं, लेआउट के लिए जाना रहा, साइट सुपरविजन के लिए ओनर के तरफ से रहा तो मैं विजिट करता हूँ, लेआउट के लिए रहा तो आपका तुरंत प्रोग्रेस हायरिंग को कौन मैनेज कर रहा है, मतलब खुद ही कर रहा हूँ सर। हाँ यही वो प्रॉब्लम हो जाती है। आपके प्रोग्रेस को मैनेज करने वाला मतलब एक बीडर होना चाहिए आपके पास, जो कि प्रोजेक्ट को लाने के लिए हैंडल करे। देखो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पहली चीज तो ये कि आपके अंदर एक कोर नॉलेज होना चाहिए काम को करने के लिए, आपसे अच्छा काम करने वाला आपकी कंपनी में हो ही ना, ठीक है, और हो तो अच्छी बात है बट आपसे बेटर ना हो। तो सबसे पहली चीज आपको काम करना आना चाहिए, दूसरी चीज काम लाना आना चाहिए, और तीसरी ओके चीज सर, काम को मैनेज मतलब दूसरों से करवाना आना चाहिए। ये तीन चीजें ओके आपके पास अगर नहीं है तो आपका बिजनेस वहीं रुक जाएगा। ठीक है, पहली चीज अब देखो, और ये तीनों चीज आपको नहीं करना है, सबसे बड़ी बात ये, ठीक है, इन तीनों ओके की सर, मास्टरी आपके पास होनी चाहिए कि काम को करना कैसे है, काम को लाना कैसे है, और काम को कराना कैसे है। ये तीनों की मास्टरी आपके पास होनी चाहिए, बट ये तीनों ही आप नहीं कर रहे, ठीक है, ओके सर, आप हाँ जनरली आप, ठीक है, इसमें आप ये देखिए कि हमारे बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट लाने के लिए कौन काम कर रहा है, कहीं मैं ही तो नहीं कर रहा हूँ? अगर मैं कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं उस चीज को क्या बोलते, जैसे कि मैं देखो मैंने अभी किसी से आपसे में से किसी से बोला क्या कि आप एडमिशन ले लो आप पढ़ लो, नहीं भाई वो मेरा काम नहीं है, आई एम अ टीचर, हार्ड ओके कोर टीचर हूँ मैं ना, तो मेरा काम है यस आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने किसी को बोला क्या कि यस नहीं नहीं आप सीख लो ये कर लो वो कर लो, कोई मार्केटिंग वाला थोड़ी हूँ मैं तो टीचर हूँ ना यार, ठीक है, तो यस सर, मेरा राइट काम सर, फिक्स है, मेरा काम क्या, तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, डिजाइन करना, मेरा काम क्या है आपको पढ़ाना, आपके चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो या ना हो
मेरा धर्म ये कहता है कि आप जो पूछो मैं उसका आंसर करूं, ठीक है। तो ओके आपका धर्म क्या करना चाहिए कि आपको प्रोजेक्ट को करना है, हो सकता है ये आपका धर्म, मुझे ये पसंद है टीचिंग करना, तो आपको हो सकता है पसंद हो। अब आपका एक दूसरा पर्सन होना चाहिए जो आपके प्रोजेक्ट को लेके आए, ओके ठीक है। सर और एक प्रोजेक्ट एक पर्सन और होना चाहिए कि आपके जो छोटे छोटे काम है, जैसे कि अभी मैं मेरे जितने छोटे काम है मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं पोस्टर नहीं बनाऊंगा, मेरे को पता नहीं किसने मैसेज किया व्हाट्सएप पर, 3 4 दिन में देख भी नहीं पाता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं यूट्यूब नहीं चलाऊंगा, मैं कुछ नहीं करता। क्यों? मेरा काम फिक्स है, मुझे पढ़ाना है, मुझे इसी मजा आ रहा है, ठीक है। तो यहीं पर कहीं पर रुका हुआ होगा वो तुम्हारा काम। दूसरी चीज हो सकता है कि अभी तुम मार्केट को सही तरीके से रीड ना कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा ना, ठीक है। हो सकता है यस यस मार्केट यस के गैप को समझ ना पा रहे हो सकता है ऐसा कुछ तुम्हारे अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटजी ना आ रहा हो, या फिर हो सकता है कि तुम्हारा काम करने की में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी अप टू डेट मार्क नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारे ओके हमारे गुरुकुल में क्या होता है कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, ओल्ड बच्चे आते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, इसलिए नहीं कि उन्होंने एडमिशन किया हुआ है, इसलिए होती है कि मैंने कुछ अच्छा किया था तभी तो बच्चा दोबारा आया ना। यस यस तो राइट सर हमारा हमारा इस 4 महीने में यही प्रयास होता है, ऐसे तरीके से अपना बेस्ट कर देना कि इस बच्चे का कैरियर सेट हो जाए। मेरा काम हो गया, क्यों? आपका जॉब मैंने लगवा दिया, अब 4 लोग आपसे खुद ही पूछेंगे भाई क्या किया था, कैसे जॉब लगे, अब तुम भाव खाओगे, बताओगे, रहने दो, समझ गए। जनरली लोग बता देते हैं कि यस भाई मैंने ऐसे से किया और इस तरीके से मेरी जॉब लग गई, ऐसे करके तुम 4 5, हर आदमी का 4 5 तो कांटेक्ट होता ही है, ठीक है। तो मेरे पास तो बच्चे ऑलरेडी कैसे आते हैं, आप में से काफी लोग ऑलरेडी किसी ने आपको बोला होगा कि सर के पास चले जाओ, ये इंटर्नशिप का कैसा सब वेबिनार चल रहा है। तो कुल मिला के आप रेफरेंस के तौर पे ही आ रहे हो, मैं अपने काम को ईमानदारी से कर रहा हूँ, उसमें कमी हुई तो तुम्हारा रिपीट नहीं होगा काम। प्रोजेक्ट के लिए दोबारा कोई यस क्लाइंट नहीं आ रहा है, मतलब साईं याद रखो कि तुम कहीं गलत कर रहे हो, ठीक है। नहीं नहीं अगर सर डिजाइनिंग में आ रहा है बट हाँ जो प्रोजेक्ट लेना हाँ जैसे हाँ प्रोजेक्ट मिलने चाहिए वैसा नहीं प्रोग्रेस हो रहा है। हाँ मैं उसी डिजाइनिंग में स्टार्ट किया, डिजाइनिंग में डील कर रहा हूँ अभी तक, हाँ हाँ उसे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ज्यादा ज्यादा ले हाँ आऊँ या हुआ सुपरविजन हाँ यानी तो अपने काम प्रोजेक्ट। को बढ़ाओ, अपने काम को हाँ बढ़ाओ। हाँ कभी कभी क्या होता है ना कि जो क्लाइंट कैसे चले जाते हैं, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते थे, हम लोग केवल स्ट्रक्चर मॉडल बना के देते थे क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बताऊँ, उसमें क्या होता था, क्लाइंट पूछता था सर बिलिंग के लिए कहाँ जाऊँ, तो मैं बोल देता था आप यहाँ चले जाओ, ठीक है, यहाँ चले जाओ। फिर कभी कभी ऐसा होता था कि वो मेरे से बोलता है कि मॉडलिंग कौन करेगा, तो मैं बोलता यार मॉडलिंग मेरा मन तो होता नहीं था करने का, तो मैं मुझे आती बहुत अच्छी मॉडलिंग बट मुझे मजा नहीं आता था उसमें, मेरा इंटरेस्ट सबका अलग अलग होता, तो मैं बोलता हाँ था हाँ यार राइट सर मैं मॉडलिंग नहीं करूंगा, मैं केवल डिजाइन करूंगा। तो मैं इस चक्कर में बहुत से प्रोजेक्ट खो दिया, क्योंकि लोग क्या यस खोजते थे, सर एक सोल्यूशन खोजते थे, एक बंदा हो जो मेरी प्लानिंग को भी कर दे, मेरे मॉडलिंग को भी कर दे, मेरे एनालिसिस को भी करके मुझे सिर्फ परमिशन का भी कर दे, सब कुछ। बैंकिंग लोन केस का भी कर दे अभी एक बार सभी सर। एक बार हाँ सब अकेला कुछ, इंसान कैसे करेगा सर हाँ, इतना। लेकिन यही चीज हमें करवाना है अपनी कंपनी के अंदर, तब ग्रोथ मिलेगा। क्या ओके होता है ओके साईं, सर अभी अभी मेरे पास एक बंदा आया, ठीक है, वो एक कंपनी का बहुत अच्छे, यस बैंक सुना होगा उसका, वो जोनल का हेड है, ठीक है। तो वो मेरे पास आया, बोला सर मैं ये नहीं जानता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, मुझे पूरा सेट करके दे दो, सारी चीजों को पूरा एक PDF वाइज दे दो, आप अपना चार्ज बता दो। 1.5 लाख रुपए चार्ज किया मैंने उसके लिए, ठीक है, पूरा मुझे सेट चार्ज कर दो, एग्जैक्टली दे दो कॉन्ट्रेक्टर को क्या पकड़ाना है, कैसे काम करना है। बहुत मेहनत लगा ना हमारा भी उसमें, ठीक है, कैसे यस यस सर पूरा प्लानिंग्स पूरा मैनेज करना, आपको ठीक ही है। करना है ना सर, वो हाँ आप हाँ जो ड्राइंग दे रहे हो उस पे ही पूरा मैनेज होने वाला है ना प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली। और अगर मैं हाँ गलती से कर देता कि मैं इंटीरियर नहीं करूंगा, वो क्लाइंट गया, उस क्लाइंट के पास पैसे बहुत है बट उसको चाहिए कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। यस 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 इसीलिए जो अपनी इस गुरुकुल को मैंने लॉन्च किया, इसमें मैंने क्या किया, मॉडलिंग भी डाला, प्लानिंग भी डाला, स्ट्रक्चर्स भी डाला, हाईराइज स्ट्रक्चर्स भी डाला, जिससे कि कोई भी ये ना, जैसे आपने कंपनी खोल लिया आपने, तो कोई ये ना कहे कि यार इनके पास ये काम नहीं है, यस 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 यही राइट सर चीज, इसी चीज, इसी नस को हमने समझ में आया कि यार यही लोग लैग करते हैं, और लोगों का बिजनेस भी रुक जाता है, और जॉब में भी कभी कभी यही रीजन हो जाता है। जिस जॉब में गए तो यार इसको तो केवल स्टैट प्रो आता है, मेरी कंपनी में तो ईटैब यूज होता है। कई जगह पैसा होता था बच्चे ईटैब के लिए आते हैं, पहले मैं इंडिविजुअली सिखाता था स्टैट को अलग ईटैब को अलग, बच्चा गया जॉब करने के लिए तो बोलते थे मैं तो ईटैब यूज नहीं करता, मैं तो स्टैट यूज करता हूँ, रिजेक्ट हो जाती थी कंपनी में। कोई बोलता था कि क्या बोलते हैं हम ईटैब्स यूज करते हैं, हम स्टैट तो यूज ही नहीं करते हैं, उसको स्टैट आ रहा है, रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा दोनों दे दो, अब क्या करेगा वो,
समझ गए? तो इसलिए जॉब यस में भी सर, अब बेनिफिट ये हो गया है, हमारा बच्चा किसी भी स्ट्रक्चर के कंपनी में जाएगा वो सारी चीजें मैंने दे दिया जो चीजें उसको चाहिए, ठीक है? ओके राइट है सर। यही चाहिए। और भी जो हमारा बीम है, तो बीम में हमने क्या किया हुआ है, ठीक है, जैसे बीम में कुछ कंपनियों को नेविस्वर चाहिए होता है, कुछ कंपनियों को रेबिट चाहिए होता है, कुछ कंपनियों को टेक्ला चाहिए, हमने कहा छोड़ो तीनों सीख डालो, ठीक है? अब कहाँ जाओगे, अब सोल्यूशन तो मेरे पास है ना। तो तुम्हारे यस यस जैसे मैंने गुरुकुल में ये चीज सोल्यूशन है कि स्ट्रक्चर का पूरा काम हो गया, मॉडलिंग प्लानिंग सब कुछ, ऐसे तुम अपने बिजनेस में करो कि मेरे पास कंप्लीट सोल्यूशन हो सकता है वो सोल्यूशन तुम ना करो, क्योंकि सारा काम तुम नहीं कर सकते हो ना। अगर मैं बोलूं कि यस मैं सर, मार्केटिंग भी करूं, मैं ये भी करूं वो भी करूं, मैं पोस्टर भी डिजाइन करूं, यूट्यूब का थंबनेल वीडियो भी डिजाइन करूं, कुछ ना करूं, ये मेरा काम नहीं होना चाहिए। मेरा काम एक होना चाहिए जो मैं अभी कर रहा हूं, ठीक है? तो ओके आप सर, यही देखो कि आपके कंपनी में कुछ ऐसे लोगों को ऐड करो, कुछ ऐसे दोस्तों को ऐड करो, फ्रीलांसर्स को ऐड करो, ठीक है? अभी आप एफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कुछ लोगों से टाई अप कर लो कि भाई ऐसा ऐसा काम हम लेके आएंगे, कुछ ऐसे लोगों से जो बड़ी कंपनियां होती है पता कैसे करती हैं। अब देखो, मैं जैसे हम लोगों ने काम किया हो कंपनी में, हमारे कंपनी में बिडर होते थे। बिडर का काम क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ दिन भर काम खोजने का काम करते थे, काम खोजने का काम करते थे, ठीक है? यस अब क्या यस हो गया, कितने बिल्डर लगे हुए हमारे, कितने बिल्डर होते थे हमारे कंपनी में, 20 20 25 25 बिल्डर। अब सोचो 25 बिल्डर हैं, महीने में एक बिल्डर ने एक काम भी पकड़ा दिया, कंपनी का खर्चा हो गया, ठीक है? बिल्डर यस को, ठीक है, बिल्डर को 5% मिल गया, बिल्डर साइड हो गया, बिल्डर दूसरे काम को देख रहा है वो। अब महीने में एक काम खोज ही लेगा जब दिन भर वो यही काम करेगा तो, ठीक है? तो राइट है ना सर, उनका टारगेट ही रहेगा ना वो। उनका टारगेट है, उसको सैलरी नहीं मिलेगी बिना बिल्डिंग के, ठीक है? अब यस सुबह से शाम तक वो यही करेगा, लिंक्डइन पर चैट कर रहा है, क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पर नेटवर्क बना रहा है, उसका काम है प्रोजेक्ट लाना। अब वो लाए, मेरी कंपनी में क्या करना है, हमारे मेरी कंपनी का ऑनर को देखो कितना अच्छा रहा होगा, ठीक है? उसने क्या किया, वो प्रोजेक्ट लेके आया, मुझे दे दिया, मैं टीम लीड हूँ, अपने टीम से करा के मुझे सबमिट करो, मैं नहीं जानता, अब सारा कुपड़ी मेरे ऊपर डाल दिया है ना, तो अब मैंने करके दिया, ठीक है? उसके बाद उसने क्या किया हुआ है, ठीक है, मेरे जैसे एक एचआर टीम रख दिया है, मेरे से लोगों ने अगर धोखा दिया दूसरे लोगों को हायर करके बैठा देंगे, ठीक है? तो उस कंपनी का ऑनर ने कुछ नहीं किया, उसने बिल्डर से काम मंगवाया, मेरे जैसे लोगों से काम करवा लिया, एक एचआर टीम रखा हुआ कि मेरे से लोग धोखा दें या फिर बिल्डर धोखा दे तो दूसरे हायर करके रख दो, क्लियर? तो ये यस चीज होती सर, है, ये चीजें को डेवलप करो। और ये चीजों को हम लोग कैसे सीख पाए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिन तक अपने जिंदगी के बाल अभी तो कलर किया हुआ है सफेद, ठीक है, ठीक है, तो ये ओके सफेद करके चीजों को सीखने को मिला 8 साल में कि ऐसे हमें ग्रोथ लेना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। सर मुझे कभी कभी लगता है मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया, या फिर बहुत छोटे प्लेस, तहसील प्लेस है सॉरी, यहाँ पे काम बहुत कम होते हैं, जो भी होते हैं वो ठेकेदार लोग कोई भी रेट से काम ले लेते हैं, उस वजह से अपन अपना रेट नहीं गिरा सकते है सर, इसलिए कभी कभी लगता है एक तो मेट्रो सिटी में कहीं जॉब करूँ और एक्सपीरियंस लूँ, या कुछ देखो और लर्निंग करूं, या क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर ठीक अभी। है, देखो इसमें पहली बात तो सही बात तुमने सोचा है। क्या होता है कि भले तुम्हारा नाम कैसा ही नाम है, अभी कुछ और नाम तुम बोलते हो, नहीं सर, मेरा नाम कपिल है सर। कपिल, ठीक है? देखो कपिल क्या होता है ना कि जैसे कि हम लोग बताएं कि जब मैं पहली जॉब कर रहा था मेरी सैलरी थी 12,000 रुपए, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता था यार इस कंपनी का सारा काम तो मुझे आता है, या फिर मुझे इस प्रोफाइल का सारा काम तो आता है, ठीक है? अपने आप को हम बापू समझते थे उस काम को लेके, राइट? लेकिन ये यस हमारी एक गलत फैमिली थी, ठीक है? वो कब रियलाइज हुआ, जब मैं उससे बड़ी कंपनी में 25,000 पर गया, तब मुझे लगा यार जो करते थे अपन वहां तो अपन बापू थे 12,000 में, ठीक, 12 का तो 18 हो सर, गया था, ठीक, मेरी सैलरी वहां उस कितनी छोटी कंपनी रही होगी कि मेरी सैलरी सबसे ज्यादा सैलरी थी 18,000 रुपए, ठीक है? वो कितनी छोटी कंपनी रही होगी, तो उस कंपनी के यस सर, अकॉर्डिंग मेरा माइंडसेट बना कि यार ये तो इतना ही होता है, इतना तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। जब मैं 25,000 की सैलरी पर आया तो मुझे पता चला यार अपन तो कुछ जानते ही नहीं है, यहाँ तो एक से बढ़ के एक है, ठीक है? अपन की सैलरी पूछता हूँ, किसी के 70,000 है, किसी का 80,000, किसी के 1.5 लाख, किसी के 2 लाख, ऐसे से सैलरी वाले हैं। अब उनके आगे हम कहाँ पता चले, हम छोटे से एक मेंबर टाइप से बस दे दिया, सेंटर लाइन निकालते रहो, निकाल के खींच के बैठे हुए, समझ गए? तो हमें समझ आया कि हम कुछ नहीं जानते थे, वो जहाँ पर थे वो छोटा सा कुआं था, उसके बारे में नॉलेज था। अब यहाँ है तो पता चला बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है, इससे तो बहुत कुछ होता है। फिर एक बहुत बड़ी एमएनसी में जब मैं गया, तो उस एमएनसी में जाने को पता चला कि हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है? जो सिविल इंजीनियरिंग हम लोग जानते हैं वो उसका 1% भी नहीं जानते हैं जो एक्चुअली में होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप कंपनी में काम करते हो, जिस लेवल के लोगों के साथ काम करते हो, आपको पता चलता है ये दुनिया है। एक्चुअली बताऊं तो शायद मैंने उसके ऊपर भी होगा कुछ, ठीक है, जो यूएस में किसी कंपनी में काम कर रहा होगा, ठीक है, अंबानी साहब का एंटीला बनाया होगा, ऑस्ट्रेलिया के किसी डिजाइनर ने बनाया है,
तो सोचो उस कंपनी का क्या माइंडसेट होगा। यस यस सर, जितने बड़े लेवल पे जाओगे, जितने बड़े एमएनसी पे जाओगे आप, वैसा आपको नया कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर बहुत मायने रखता है सर। तो तुम्हें अपने आप को बाहर निकाल के, ठीक है, जॉब प्रोजेक्ट करते रहो, तुम ऐसा प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं है, ठीक है, टीम बनाए रहो, ठीक है, लेकिन बड़ी कंपनियों को बीट करो, उनकी रिक्वायरमेंट को समझो, वहां जाओ देखो कि वो कैसे काम को ला रहे हैं, ठीक है, ओके फिर उसके ओके हिसाब हाँ से सोचो। क्योंकि क्या होता है कि हमें लगता है कि हमने एक कदम चली यही दुनिया है, ठीक है, जैसे हम लोग अपने यस कॉलेज यस में पढ़ते थे, यस वही हो रहा है ना सर। मुझे हाँ लगता था कि वो अब डिग्री हो गई, मुझे इतना सबमिशन ड्राइंग आ गया, वर्किंग ड्राइंग्स आ गया, हाँ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट सुपरविजन आ गया है, मुझे सब आ गया, वैल्यूएशन आ गया, एस्टिमेट आ गया, बैंकिंग लोन के सब कर दे रहा हूँ, बस हो गया है, मुझे आप कुछ करने का काम नहीं, ऐसा लगता सर अभी तक। लेकिन आप जैसे मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं तो बहुत पीछे रह गया, जैसे आपके सेमिनार अटेंड करना, यूट्यूब पे देखना, नहीं फिर तुम सही समझते रहे हो, आए कि हाँ उस हाँ हाँ जगह के अकॉर्डिंग सही हो, लेकिन हाँ 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 लेवल अभी बहुत ऊपर तक जाना है, यस 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 वही ठीक ना है, सर। तो आराम से करो। मेरा ये सेशन रहेगा कि आप और बड़ी कंपनी में और बड़े लोगों के साथ कनेक्ट बनाओ, ठीक है, ठीक है, और कनेक्ट बना के तब तुम्हें लगोगे, समझ आएगा कि यार लोग कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, ठीक है। अभी मैं कल एक बड़ी अच्छी डिजाइन सीख रहा था, उसका डिजाइन भी ऐसा है कि ऐसे कर्व शेप में, कर्व शेप मतलब कि स्मूथ कर्व शेप, जैसे कि कार का बोनट होता है, उस शेप में अगर हमको बीम को डिजाइन करना हो तो उसके लिए कोडिंग करनी पड़ती है, कि उसके लिए FEM भी सफिशियंट नहीं, फाइनाइट एलिमेंट मेथड सब छोटे छोटे जैन ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मान लो ऐसे शेप की बीम हो, जैसे ये है, ठीक है, ऐसे शेप के लिए आपको सी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, वो नम्स नप्स करके कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ रहा था मैं उसके बारे में, तो मतलब अभी वो मेरा कवर नहीं हुआ, मैं उसको सीख नहीं रहा वो हूँ, तो तो उसको बहुत अभी, कंफ्यूजिंग है सर, वो तो ठीक बहुत है, हाई लेवल की तो बात। तो हमें ये चीज को अपग्रेड करते रहना है, ठीक है, तो अपग्रेड ओके करने के ओके लिए आप बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्ट हो, बड़ी कंपनियों में काम करो, फिर मजा पाओगे एक्चुअल का, ठीक है, चलो ओके सो एक सर। आप मैं शुभकामना, सर हाँ हाँ आप मैं समझो जॉब करने जाऊंगा, तो आप सर मैं क्या एज ए फ्रेशर नहीं ये नहीं होऊंगा नहीं या वो फिर। ऐसा ऐसा हाँ क्या ऐसा हो सकता है ना कि आप अपने हाँ कंपनी में, क्योंकि आप कंपनी तो बनाई हो, प्रोप्राइटरशिप कुछ किए होगे, ठीक है, यस यस तो यस हाँ उसमें क्या कर सकते हो, उसमें एज ए एम्प्लॉय अपने आप को दिखा के आप अपना एक्सपीरियंस दिखा सकते हो, ओके ओके ठीक है, सर आप वहाँ पर एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे थे और वो आपका ये एक्सपीरियंस है, ये काम कर रहे थे, ये रेजिग्नेशन थी, नाउ अभी आपने ये ओके सीखा हुआ है, नाउ अभी आप यहाँ जाने वाले हैं, ओके ओके ठीक है, ओके लेकिन आप समझो सर मैं पुणे आ गया सर, आप पुणे में आ गया तो आप मैं कौन से कंपनी में, कैसे कंपनी में जॉब तो अप्लाई करूँ कि आप मेरा पुणे इस नहीं टाइप जाना का है, नॉलेज, मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, पुणे नहीं जाना है, आप हाँ घर से, आपको पुणे नहीं जाना है, हाँ हाँ आपको हाँ अपने घर से ही अप्लाई करना है, ठीक है, ओके आपको ओके बताना हाँ है कि हाँ मैं इस प्रोफाइल में काम कर रहा था, ठीक है, उसके बाद अभी, अब वो प्रोफाइल क्या सफिशियंट है उस कंपनी के लिए ये देखो, ठीक है, देखो क्या ओके होता है, हाँ कंपनी कभी भी तीन जगह से क्वेश्चन पूछती है, मैं गुरुकुल में सबको बताता हूँ, तीन जगह कौन कौन सी होती है, एक जगह होती है जैसे कि मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताओ कि नरेंद्र मोदी का, तुम आए हो मेरे पास जॉब करने के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए, मैं तुमसे पूछूं नरेंद्र मोदी कब पैदा हुए थे, कोई सेंस है इस क्वेश्चन का, नहीं सर नहीं है, ठीक है, तुम्हें क्या मतलब है, मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता होगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर सेंस क्या बनता है, सेंस बनता है तीन जगह, कौन कौन सी तीन जगह है, एक आपका रिज्यूमे का एक 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 लाइन, मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, कुछ भी पूछ सकता हूँ आपके रिज्यूमे, क्यों, क्योंकि आपने लिख के दिया है कि मुझे ये आता है, मुझे ये स्किल्स है मेरे पास, ये स्किल्स है, राइट, तो यस मैं यस यस सर 100% एलिजिबल हूँ तुम्हारे हर स्किल पर, तुम्हारे कॉलेज के पूछे जो तुमने रिज्यूम में डाला हुआ है सब पूछ सकता हूँ, ठीक है, तुमने डाला हुआ बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, मैं एलिजिबल हूँ बीटेक के बारे में पूछने के लिए, ठीक है, दूसरा चीज यस मैंने आपको बता रखा था जब आपको कंपनी में आ रहे थे, तो मैंने आपको दे रखा है ना कि ये JD चाहिए मुझे, मेरी ये जरूरत है, ठीक है, तो दूसरी चीज ये कि मेरी जो जरूरत है उसको आप फुलफिल कर पा रहे हैं क्या, तो आप बोलो कि हाँ सर या ना सर, ठीक है, वो चीज, ठीक है, ये दो सर जगह क्वेश्चंस को होता है, तीसरा जगह जो होता है वो बिहेवियर का होता है, ठीक है, पता चला आप 10 लोगों का मर्डर करके बैठे हो, ठीक है, मैं आपको कंपनी में हायर कर लूँ, मेरी कंपनी का इन्वायरमेंट ही डैमेज हो जाएगा, समझ गए, यस तो मैं आप कैसे यस पर्सन हो, ठीक है, आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, कैसे आप वार्म करते हो, किसी वेलकम करते हो, ठीक है, कैसे आप अपने ग्रोथ को देखते हो, कैसे आप कैरियर के गोल्स को क्लियर करते हो, ठीक है, इन चीजों के लिए मैं HR क्वेश्चंस, ये तीन जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेरी जरूरत, आपका रिज्यूमे और आपका बिहेवियर, बस ये तीन जगह, ठीक है, ओके तो ये अपने ओके गुरुकुल में सर इन्हीं चीजों के लिए हर मंडे को हम लोग क्या करते हैं, मॉक इंटरव्यू, उसका मेन एम यही है, ये
ओके सर, सर, आप मुझे आप कोर्स करना है तो आपके पास कौन सा कौन सा ठीक है, बेटर रहेगा सर स्ट्रक्चर ही मेरे करो, लिए? अभी तो मेरे को मैंने तुम्हारा आपको, एक्सपीरियंस जो है वो तुम्हारा स्ट्रक्चर बेस ही है, तो मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर में ही करना बेटर रहेगा। ओके ओके सर, ये क्योंकि बैच तुम्हें कब अपना से स्टार्ट कंपनी हो रहा? चलाना है, तो अपने कंपनी के लिए तुम्हें स्ट्रक्चर के लिए जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। इसका तो 25 से स्टार्ट है, 25 जुलाई से स्टार्ट है, ओके ओके सर, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन सुशैल का ले लेता हूँ, बहुत देर तक वेट कर रहे हैं। सुहैल, सॉरी सुहैल, अपना ओके क्वेश्चन ओके, पूछ थैंक यू सो लीजिए। मच सर। ओके, मोस्ट वेलकम। सर नमस्कार नमस्कार जी। सर, बोल रहा था ये मैंने एमटेक किया हुआ है स्ट्रक्चर से, तो करेक्ट, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे आगे अपना करियर ग्रोथ करना चाहिए, आपका क्या एमटेक करने से फ्रीलांसिंग या पहले, करना चाहिए सर? अभी दिस ईयर सर, 2024, ओके, और बीटेक, बीटेक 2022, इससे पहले सर डिप्लोमा किया है, बहुत बढ़िया, लेकिन सर अभी तक मुझे करियर में एक अच्छा कहीं स्टैंड नहीं मिल पा रहा है, क्या कहीं एक अच्छी ग्रोथ नहीं पा रही उसका है? रीजन क्या है ना दोस्त, आपने डिग्री तो कलेक्ट की है, सही किया है, आपने डिप्लोमा डिग्री और सब कुछ किया राइट, बट आपने मार्केट की जरूरत को कंप्लीट किया है क्या, वो बहुत जरूरी है। मार्केट की जरूरत क्या है, ठीक, जैसे अभी मान लीजिए भाई कपिल बोल रहे थे अपने कंपनी के बारे में, ठीक है, अगर आप कपिल के पास चले जाओ, कपिल को बोले कि कपिल भाई आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करो, ठीक है, आपको डिजाइन का सारा काम मैं करके दे देता हूँ, ठीक है, और आप छोड़िए सब कुछ, आप जितना पाइएगा उसका 50% हमें दे दीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इक्विटी काम को करेंगे आधा हम दे देंगे, समझ गए? आप क्या काम को करके दे पा रहे हो क्या सुहेल, यही सबसे बड़ा की पॉइंट है। आपको ऐसी लर्निंग लेनी पड़ेगी कि आप कॉन्फिडेंटली किसी को भी अपना प्रोजेक्ट करके सबमिट कर सके। उस चीज को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो इसमें करेंट मार्केट की जरूरत है उन चीजों को फुलफिल करना पड़ेगा। मार्केट की जरूरत क्या है, प्रोजेक्ट को कैसे सबमिट करना है, मतलब स्ट्रक्चरल ड्राइंग कैसे देना है, ठीक है। अब ये पूछेंगे कि आपने किया है तो आपने वॉल का लोड कैलकुलेट किया है क्या, आप बोलोगे हाँ मैंने कैलकुलेट किया है। ये पूछेंगे कौन से कोड से आपने किया है, क्यों ये चेक करेंगे ना आपको पैसे दे रहे हैं, तो आप बोल दोगे मैं IS 875 के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आपको डेंसिटी पता है ब्रिक का क्या, आपने गलत रूट लगाया हुआ है, तो आप बोलोगे नहीं पता है। तो क्या आप प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली करके दे पा रहे हो? अगर दे पा रहे हो तो अच्छी बात है ना, कि इनको कपिल को क्या हो गया, कपिल का एम हो जाएगा, अब मुझे सिर्फ बिजनेस लाना है, सुहेल भाई है ये पूरा प्रोजेक्ट करके दे देंगे, खत्म, ठीक है। तब इनका फोकस प्रोजेक्ट लाने पर हो गया। तो ऐसे ही आप जब कंपनी को उनकी जरूरत, उनकी काम को करके देने की कैपेबिलिटी रख लोगे सुहेल, तो 100% वहां पर देखिए, इसके लिए ना बीटेक काम देगा, ना डिग्री काम देगा, ना किसी को मास्टर काम देगा, ना पीएचडी काम देगा। काम क्या देगा, आपका एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस किस चीज का, प्रोजेक्ट को करके देने का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को करने के लिए क्या, आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, अब कोई मैनुअली डिजाइन नहीं कर सकता है बड़ी बिल्डिंग्स को, तो अभी आजकल मार्केट अंदर चल रहा है कि आपको स्टैटपो के ऊपर डिजाइन आनी चाहिए विद कॉन्सेप्ट, ठीक है, ईटैप पर आनी चाहिए। क्या हम करके दे पा रहे हैं क्या, उनकी जो एसटी आ रही है, एरिया ऑफ स्टील आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रक्चरल ड्राइंग ऑटोकैड प्रोड्यूस करके दे पा रहे हैं क्या? अगर कर पा रहे हैं तो आप एलिजिबल होना यार, समझ गए सुहेल? इसी चीज को हम लोग अपने गुरुकुल के अंदर आपको ट्रेंड करते हैं, और यही एक्चुअली मार्केट। यस सर, सर मैंने स्टैट प्रो पे वर्क तो किया है, लेकिन एक फ्लुएंटली प्रोजेक्ट उसमें नहीं किया है एक स्टार्ट तो सर। कहीं नहीं किया हुआ है, जी यही चीज हमें करना पड़ता है सुहेल। क्या होता है देखो, जैसे कि अभी जनरली आपको अगर ईटैब या स्टैट कुछ भी सीखना है, तो यूट्यूब पे आप दो चार वीडियो देख के आपको ओवरव्यू तो मिल जाएगा, है ना, कि ऐसे 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 कुछ करना है, बट आपने एग्जैक्टली क्या उस ड्राइंग पर कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है क्या, वो चीज सीखना बहुत जरूरी है, और वही लोग लैक करते हैं, जी सर, ठीक है। यही चीज हम उस गूगल में क्या कराते हैं, आपको रोज प्रोजेक्ट देते हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर आज मत दो, परेशान हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि भाई 100 से 20 समय तो लगेगा ना प्रोजेक्ट को करते समय, ठीक है। प्रोजेक्ट को करके आते हो तो किसी पूछेगा, किसी में दिखा देगा स्टैट को डेंसिटी नॉट प्रोवाइडेड, अब आप कंफ्यूज होंगे एनसीटी के एरर क्यों दे रहा है, किसी में दे दिया कि वन वे टू वे का कोई वार्निंग दे दिया, ठीक है, किसी में दे दिया डायग्राम नॉट प्रोवाइडेड, किसी में दे दिया कि इलस्ट्रेटर मॉड्यूल्स आर नॉट प्रोवाइडेड, स्ट्रेस फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है, इन चीजों को जी चेक करके हम एक एक प्रोजेक्ट में एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते 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 परफेक्शन की तरफ जाते हैं। सुहेल वही परफेक्शन कंपनी की जरूरत है।
सर क्या हम स्टेट प्रो करना हमारे लिए काफी है कि ई टेस्ट भी करना जरूरी है सब? देखो इसमें यही हो जाता है सुहेल की, जब आप बड़ी कंपनी के लिए आप मार्केट में निकलते हो तो स्टैट सफिशियंट है, लेकिन क्या होता है कि किस कंपनी को के पास कौन सा सॉफ्टवेयर है वो बड़ा मैटर करता है। जैसे कि अगर मान लो मेरी कंपनी में आए, अब मेरी कंपनी छोटी सी कंपनी है तो अभी देखो स्टैट में सॉफ्टवेयर का जो मार्केट प्राइस है, अभी थोड़ा सा आपको टेक्निकल टर्म से हट के बताता हूँ, 45,000 रुपये है, 85 है, सॉरी 75,000 है, 75,000 है। स्टैट में सॉफ्टवेयर कितने का अवेलेबल है? 75,000 का, ठीक है। और जो ईटीएफ सॉफ्टवेयर है वो है 3,70,000 के आसपास है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है अभी के लिए, ठीक है। इसका 4 लाख रुपए, और ये कितने का अवेलेबल है? 70,000 रुपये अवेलेबल है। तो एज अ बिगनर मैं अपनी कंपनी में क्या लेके आऊंगा? स्टैट लेके आऊंगा, गॉट इट। लेकिन अगर मेरी कंपनी में प्रोजेक्ट ये आ रहे हैं G+100K, G+80K, G+70K, या फिर मेरी कंपनी का रेपुटेशन ही बहुत हाई है, ठीक है, जैसे कि पुणे में JW का है, ठीक है, इस लेवल का अगर मेरा रेपुटेशन है तो मैं तो ईटीआई यूज करूंगा, ठीक है, वहां पर आप रिजेक्ट हो जाओगे। और अगर मैं छोटी कंपनी हूँ तो मैं पैकेज भी तो आपको ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि सुहेल आप आ जाइए कल से मैं आपको 80,000 दूंगा। कैसे दे दूंगा 80,000? मेरा बजट भी तो होना चाहिए ना, मेरे क्लाइंट मुझे 20,000 पे कर रहे हैं। तो अगर आपको बड़ा गेम खेलना है तो आपको दोनों आने चाहिए, छोटे छोटे जॉब के लिए करना है तो स्टैट प्रो राइट सर। सर जैसे स्टैट प्रो से हम एक तो पाइल 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 फाउंडेशन, पाइल कैप, पियर कैप, ये इससे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, स्टैट फाउंडेशन से कर सकते हैं, स्टेट फाउंडेशन से कर स्टैट सकते हैं। बॉडी में आपको सीख रिटेनिंग लो ना, डी वॉल, रिटेनिंग वॉल। नहीं इनके लिए फिर मैं आपको सेफ सिखाता हूँ, एडवांस डिजाइन हो गया सेफ, CSI सेफ। उसमें आप कैसा भी फाउंडेशन डाल दीजिए, कैसा भी स्लैब डाल दीजिए, सब डिजाइन कर लिया स्टेयर केस वगैरह इसमें स्टेट सेफ। बन स्टेयर स्टेयर केस के लिए RCDC बहुत अच्छा होता है, RCDC से आप डिजाइन कर सकते हैं। ये क्या होता है सुहेल कि हाँ हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक एक्सपर्टीज होती है, जी जब आप कोर उसके अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे कि ETF जो है बीम और कॉलम के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, कैसा भी बीम और कैसा भी कॉलम डिजाइन कर देगा। हाँ जो सेफ है वो फुटिंग और स्लैब के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, और जो स्टैटो है स्टील स्ट्रक्चर के लिए इससे कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है, मैं तो नहीं जानता, ठीक है। और तो मतलब सब सॉफ्टवेयर की अपनी एक एक्सपर्टीज होती है, उस एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज करना। सर ये टनल्स और ये हाईवे जो ब्रिजेस किए जाते हैं तो ये किस सॉफ्टवेयर में देखिए करते हैं सर अगर डिजाइन? जो टनल है, टनल की सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर SAP है, SAP SAP, ठीक है, CSI, सेफ। ठीक है, हाँ ठीक है, SAP। और उसके बाद आपने बोला ब्रिजेस के लिए एक सॉफ्टवेयर है CSI ब्रिज, जो अभी ये चेनाब ब्रिज किया गया है जम्मू हाँ कश्मीर वाला उसमें आप देखिए, मुझे नहीं पता उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किए, बट अगर कोई भी अच्छा बिल्ड ब्रिज डिजाइन कर रहे होंगे तो CSI ब्रिज से ही कर रहे होंगे, ठीक है। मैं जो बात इनको कर रहा हूँ सीखने मैं ईट में बिल्डिंग की बात कर रहा था, जो कि मैंने बताया सब बिल्डिंग के है, बट एज ए रोड है, रोड के लिए MX रोड है, ठीक है, अच्छा है ब्रिज मैं के जी लिए सबके लिए अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर की एक्सपर्टीज होती है, क्लियर। बिल्डिंग के लिए जो मैंने इनको बोला ये सर 100% सफिशियंट है। सर इन सॉफ्टवेयर्स को सीखने में जैसे स्ट्रक्चर के लिए हमें एक तो स्टैट प्रो और स्लैब डिजाइनिंग है, स्लैब डिजाइनिंग है, डी वॉल सेफ, तो ये सॉफ्टवेयर हैं, इनको सीखने में कितना टाइम लगेगा क्या है? अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरी सारी बैचेस 4 मंथ में कंप्लीट हो गई है, लेकिन उनके लिए जो डेली 5 घंटे टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, 5 घंटे आप टाइम दे देंगे तो 4 महीने सफिशियंट होगा 100%, ठीक है। क्योंकि अपनी हर बैचेस मतलब जो रेगुलर बैचेस चलती है ना, हर 4 महीने में मैं एक बैच लॉन्च करता हूँ, ज्यादा नहीं करता, हर 4 महीने में एक बैच, जैसे एक बैच अभी मार्च कंप्लीट हुआ तो अब उनका स्लॉट खाली हुआ आपका कर रहे हैं, इसके बाद एक बैच होगी नवंबर दिसंबर के आसपास जो 4 महीने, ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं चलते। लेकिन बिल्डिंग में मैं आपको एक्सपर्ट बनाने की पूरी गारंटी लेता हूँ, उसका रीजन ये है मेरा एक्सपीरियंस है उस चीज में, ठीक है। मैं ब्रिज नहीं सिखाता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने ब्रिज पर काम ही नहीं किया है ना दोस्त, ठीक है। तो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ एग्जैक्टली वही सिखा रहा हूँ जो मैंने काम किया हुआ है, जो काम हम कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और मैक्सिमम प्रोजेक्ट आप देखेंगे जो मैं आपको दूंगा वो सारे प्रोजेक्ट मेरे ही खुद के प्रोजेक्ट रहेंगे, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। चलिए उम्मीद करता हूँ गाइस सबके ही क्वेरी सॉल्व हो गए। स्वेल स्वेल क्लियर हो गया? सर मैं वैसे मेट्रो प्रोजेक्ट में वर्किंग कर रहा हूँ, करेक्ट
तो मैं चाहता था स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर में आने के लिए, तो मुझे क्या क्या स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए तो क्या वर्किंग करनी चाहिए, किस सॉफ्टवेयर पे, उसके लिए मुझे करना था। ओके देखो देखो, पहले मैं तुम्हें जो बताया पूरा का पूरा सीरीज ही पैक है, ठीक है, एकदम पैकेज मैंने तैयार कर दिया आपके लिए। आप इसका ना सिलेबस भी चाहिए होगा ना, तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर चेक चैट बॉक्स में है ग्रुप, ठीक है, वहाँ से ले लीजिएगा। दूसरी चीज़ मित्र, इसमें क्या होता है कि ये जितना मैंने आपको बताया, ऑटोकैड, स्टेटो, आरसीडीसी, ईटैब, सेफ, मैनुअल, एक्सेल, रेविट, आर्टिचर स्ट्रक्चर, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर का वर्क कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ना केवल स्ट्रक्चर, प्लानिंग भी हो जाता है, मॉडलिंग भी हो जाती है, यही इसका राइट वे है। बट इसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर आपके पास डेली 5 घंटे स्पेंड करने के लिए है तो आप इसको करिए और बेटर तरीके से आप कर सकते हैं इसको। क्लियर? जी सर, ओके जी, ठीक है, उम्मीद करता हूँ गाइस हमने सबके ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। अब शायद इसके बाद नेक्स्ट सैटरडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो इसलिए वेबिनार नहीं होगा। आपको कुछ डाउट बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आप कल कॉल कर लेना, ठीक है, कॉल करके भी आप इंक्वायरी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये फिक्स मानिए कि अगर आपने 4 घंटे दिया तो मैं आपको, क्योंकि मेरी एक एचआर टीम भी है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका काम ही है सुबह से शाम तक कहाँ पर ओपनिंग चल रही है आपको ग्रुप में अपडेट करना, वो अपना काम करेंगे। और टेक्निकल इतना भरोसा रखिए कि अपने 8 साल में जितना भी मैंने नींबू में पानी इकट्ठा किया वो सब निचोड़ के आपको देने वाला हूँ नॉलेज के फॉर्म में, ठीक है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इसके अंदर। और बाकी और कोई हेल्प मुझे नहीं लगता, आपको दो ही चीज़ चाहिए, जॉब चाहिए, नॉलेज चाहिए, दोनों आपके पास मिल जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये मैं नहीं कहूँगा कि आप क्या बोलते हैं 100% आपकी जॉब लग जाएगी, बट ये मैं जरूर कहूँगा कि अगर आपने 100% अटेंडेंस दे दिया तो 110% मेरी तरफ से जॉब ले लीजिए आप, ठीक है, इसमें मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आपके नॉलेज पर, और नॉलेज के लिए आपको 100% आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड होप सो कि सबको समझ आया होगा, एंड सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, इंजॉय करिए, कुछ भी दिक्कत रहे कल आप कॉल कर लीजिएगा मॉर्निंग में, ठीक है, चलिए।